हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम एक नई स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, तो ये चैप्टर वन से, यानी कि जीवों में जनन। तो ये बेटा आपके यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनमें ये नहीं पढ़ना है, स्पेशली बेटा ये बिहार बोर्ड के बच्चों को है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में ये है। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी वो स्पेशली किसके लिए होगी? बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होगी। और इसके साथ साथ अगर किसी अदर बोर्ड के भी जो बच्चे हैं और अगर उनके सिलेबस में ये पहला चैप्टर जीवों में जनन है, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। या अदर क्लास वाले, चाहे वो सीओटी की प्रिपरेशन कर रहे हों या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी एक नई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आप 2025 में आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, है ना। अभी आपके पीछे जो बड़े भाई बहन है, उन्होंने अभी 24 में अभी फिलहाल में ये एग्ज़ाम दिया है, यानी अभी इससे टाइम दिया है। तो आप भी, आपको भी उस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला है, तो बेटा मैं ये बोलूँगी आपको, अभी से अब स्टार्ट कर दो। अगर आपके मन में अभी ये है कि नहीं, अभी हमें तैयारी नहीं करनी है, अभी हमारे पास प्रॉपर बहुत ज़्यादा समय है, तो ये आपकी भूल है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपके लॉन्ग पूछने के चांसेस होते हैं, बट आपके बहुत कम ही होते हैं। और बिहार बोर्ड में बेटा क्या होता है, सिर्फ आपके एक नंबर, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो दो नंबर के पूछे जाते हैं, तो दो नंबर के पूछे जाते हैं, तो उससे लेवल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर नेम क्या है हमारा? जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर आपको मेल के, यानी कि मानव के बारे में और पौधे के बारे में, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आपका पूरा एक बेस क्लियर करेगा। चाहे आपका आगे वाला जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर, मानव जनन वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आगे के जो दो चैप्टर हैं, दो चैप्टर के, ये आपको बहुत ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो, इसको स्किप कर देते हो, तो थोड़ा बहुत आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं जीवों में जनन, तो हम बात करेंगे जनन, है ना, ये जनन है क्या? ठीक है, क्या बात करेंगे हम जनन को, कि ये जनन है क्या, या हम जनन कहते किसको है? ठीक है, जनन है क्या या जनन हम कहते किसको है? बेटा जनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जनन को क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, ये जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, ये दोनों जीवों में होती है। चाहे अगर बेटा एक प्लांट है और चाहे एक जंतु है, यानी कि चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, ये दोनों ही रिप्रोडक्शन की क्रिया, यानी जनन की क्रिया कर रहे हैं। अब बात आती है, जनन आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है जनन करना? तो आप एक चीज सुने होंगे कि बायोडायवर्सिटी, है ना, जो हमारा जैव विविधता चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्तता के कगार पे हैं। तो अगर एक नॉर्मल बात में, अगर सीधी भाषा में हम इसको बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर एक जीव रिप्रोडक्शन करता है। अगर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, है ना, अगर मानव जाति है, मानव रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो मानव के अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर एक पौधा है, कोई भी पौधा है, और वो उस पौधे की जाति रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो उस पौधे की जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कोई न कोई जीव है, वो अपने जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, इस हमारी पृथ्वी पे उसका बैलेंस बराबर रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू, चाहे कोई प्लांट की जाति हो चाहे कोई मानव की जाति हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले जनन की परिभाषा को देखते हैं, कि जनन की परिभाषा होती क्या है या कहते क्या है। देखो, अगर हम जनन की बात करें, जनन करना क्यों जरूरी है या जनन होता क्यों, ठीक है, जनन करना क्यों जरूरी है और क्यों क्या होता है, तो देखो जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, जनन की वह प्रक्रिया, ठीक, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव या जिसमें जीव अपने समान, ठीक है, जीव क्या करते हैं, अपने समान,
है ना, अपने समान, किसका, अपने समान जीव का, ठीक है, अपने समान क्या करती है बच्चा, जीव का। जीव का मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अपने समान किसका फॉर्मेशन करेंगे, किसकी उत्पत्ति करेंगे, संतति का। तो अपने समान जीव यानी संतति को उत्पन्न करते हैं, संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, उत्पन्न करते हैं। तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव यानी संतति को उत्पन्न करते हैं या अपने समान जीव या संतति को जन्म देते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, क्यों आवश्यक है, जरूरी क्यों है, ठीक है, अगर बात करें हम क्यों आवश्यक है, इसको करना जरूरी क्यों है, क्या अगर हम कोई भी जीव मानव है ना, कोई भी जीव चाहे मानव है चाहे कोई भी प्लांट की जाति है या कोई अदर एनिमल की जाति है, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा। तो क्यों आवश्यक है बेटा, तो इनका आवश्यक होता है अपने जाति की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्यों आवश्यक है, ये सवाल हमेशा आपके अंदर आता होगा। तो क्या लिखोगे, अपने जाति के, अपने जाति के अस्तित्व को, मेरे साथ साथ बेटा आपको नोट करना है, तो अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व तो इनका जाति का क्या हो, अस्तित्व बना रहे, तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए जो जीव है, ठीक है, बनाए रखने के लिए जीव, रखने के लिए कोई भी जीव है, किसी भी जाति का जीव है, वो क्या करते हैं, जीव जनन करते हैं। जीव क्या करते हैं बच्चा, जनन करते हैं। ठीक है, कोई भी जीव क्या करेगा, वो कंटिन्यू वो रिप्रोडक्शन करना करता रहेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान एक जीव को या अपने समान संतति को जन्म देता है या अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। अब ये जनन क्यों आवश्यक है, तो ये चाहे मानव जाति हो चाहे प्लांट की जाति हो या किसी छोटा सा छोटा जीव है, इन सभी जाति, कोई भी जीव अपने जाति को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये कंटिन्यू रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपके एक सवाल बेटा, एक क्वेश्चन और आता है, वो है जीवन अवधि। ठीक है, ये भी एक एक नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन अवधि क्या है, ठीक है, या लाइफ स्पेन क्या है। ठीक है, तो अब हेडिंग आप क्या डालोगे, जीवन अवधि। ठीक है, क्या, जीवन अवधि। अब ये जीवन अवधि क्या है, हम जीवन अवधि किसे कहते हैं बेटा, जीवन अवधि को हम कहते हैं लाइफ स्पैन, क्या, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब ये जीवन अवधि क्या है, देखो हम ये कहते हैं कि कोई भी जीव है, उसने दुनिया में जन्म लिया, ठीक है, कोई भी जीव आया, उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मृत्यु हो गया। यानी कि कोई भी जीव, कुछ ही जीव ऐसे होते हैं जो अमर होते हैं, बाकी मानव हो, ठीक है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं वो अमर नहीं होते। अगर अमर कोई होता है तो जितने बड़ा एक कोश के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ में जो अमीबा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे अमर जीव होते हैं, ये कभी मरते नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो जनक की बॉडी से ही, जनक की बॉडी ही वो संतति कोशिका में चेंज हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं जीवन अवधि की, यानी कि लाइफ स्पैन की। देखो अब अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो जन्म है ना, किसी बच्चे का, मान लो एक मानव का बच्चा है, ठीक, एक मानव है, उस मानव के बच्चे का क्या हो गया बेटा, जन्म हो गया। एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे ने क्या के लिया, जन्म ले लिया। जन्म के बाद क्या होता है, प्रॉपर उसका ग्रोथ होगा, वो बड़ा होगा, है ना, उसका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था आएगी, युवावस्था से वो वृद्ध जड़ावस्था यानी वृद्धावस्था में, फिर उसकी अचानक एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा और उस समय में क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म से पहले मृत्यु के, सॉरी जन्म के बाद मृत्यु के पहले, किसी भी जीव के जन्म से लेकर, किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु के, है ना, उसके प्राकृतिक मृत्यु के तक के समय को,
क्या लिखोगे इसमें? किसी भी जीव के, अगर हम बेटा इसके जीवन अवधि की बात करें, इसके लाइफ स्पैन की बात करें, तो क्या नोट करोगे डिफिनेशन? किसी भी जीव की, क्या? किसी भी, कोई भी जीव हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल है, तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर, किसी भी क्या बेटा, कोई भी ऐसा जीव है, तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर, ठीक है, क्या, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक, है ना, उसकी क्या होगी, प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि नेचुरल तरीके से उसकी क्या होगी बच्चा, मृत्यु होगी, तो उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, ठीक है। तो उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, क्या बोलेंगे, जीवन काल कहते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, या तो हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जो दुनिया में, एक मानव है, मानव ने जन्म लिया, जन्म होने के बाद उस मानव की, जिस बच्चे ने जन्म लिया उसकी मृत्यु तक की, है ना, जन्म के बाद और इस मृत्यु के बीच का जो समय होगा उस समय को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे अगर हम किसी को मार देते हैं, है ना, अगर हम किसी को मार दें, किसी का मर्डर कर दें बेटा, तो वो आपकी लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगी। यानी कोई ऐसा जीव है जो दुनिया में आएगा और उसकी जो नेचुरल तरीके से डेथ होगी, तो जन्म के बाद मृत्यु के पहले के बीच में जो संबंध है या दोनों के बीच का जो समय होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइफ स्पैन कहते हैं। अब एक चीज आपको देखने के लिए मिलता है, क्या, जैसे इनमें एक चीज और बात होती है कि जीवन काल कुछ दिनों से लेके कुछ वर्ष तक भी हो सकता है। यानी अगर हम जीवन काल की बात करें बेटा, तो ये कुछ दिन का भी हो सकता है और हजारों वर्ष का भी हो सकता है। जीवन काल कुछ दिन का भी हो सकता है, हजारों वर्ष का हो सकता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक दिन भी नहीं होते, जिनका जीवन काल कुछ हावर्स तक भी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन काल हजारों वर्ष होता है। तो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, जीवन अवधि की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो ये कुछ दिनों से लेकर या एक दिन से लेकर या कई दिनों से लेकर हजारों वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जैसे इसमें साइज का भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कौवा को देखें, ठीक है, कौवा की साइज देखें, तोता की साइज देखें, तो कौवा और तोता का कलर भले ही चेंज है, कौवा ब्लैक है, तोता ग्रीन है, बट अगर साइज की बात करें बेटा, तो लगभग, है ना, लगभग एक जैसे समान होते हैं, बट उनके जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर उनकी हम बेटा जीवन काल की बात करते हैं तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बात करें ना, एग्जाम्पल की बात करें, देखो अगर तोता है, तो तोता का जो जीवन काल है उसको हम कितना कहते हैं कि इसका 140 वर्ष, तोता है वो 140 वर्ष जिंदा रहता है, ठीक है, उसकी प्राकृतिक नेचुरल की जो अवधि रखी गई है। इसके बाद अगर वही हम कौवा की बात करते हैं, लगभग दोनों पक्षी हैं, दोनों लगभग समान आकार के हैं, हाँ भले कलर में चेंजिंग है, तो कौवा की बात करते हैं तो ये लगभग कितने बेटा, 15 वर्ष तक, है ना, इनके पूरे जो जीवन काल होते हैं 15 वर्ष तक होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम डॉग की बात करें, है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, तो डॉग का भी अगर जो जीवन काल करते हैं तो 20 से 30 वर्ष हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसकी, डॉग की, यानी कुत्ता की बात करें कि कुत्ता का जीवन काल क्या है, तो कुत्ता में क्या आ जाता है बेटा, 25 से 30 वर्ष, कितने साल तक ये जी सकते हैं, 25 से 30 वर्ष भी हो सकते हैं, कहीं कहीं आपको 20 से 25 भी मिलेगा। तो ये इतने के बीच में इनका जीवन काल होता है। तो कोई ऐसा जीव है जिनकी प्राकृतिक मृत्यु होगी, ठीक है, उस जीव का क्या होगी, प्राकृतिक मृत्यु होगी, और यानी कि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले दोनों बीच में जो संबंध होगा उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा साथ साथ आपको नोट करते हुए चलने हैं, ये नहीं कि आपको चीज़ों को स्किप करते हुए चलने हैं कि मैम पढ़ा रही है बस हम देख लिए, हम नोट ना करें। तो अब से प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो,
ठीक है, क्योंकि जो नोट्स आप बनाओगे वही आपका आगे काम देगा। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बाद में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, ओके, चलो, ओके, चलो, अब यही चीज देखते हैं लाइफ स्पेन की। सबसे पहले बच्चा हम देख लेते हैं मानव की। देखो अगर हम मानव की बात करते हैं, है ना, स्पेशली अगर हम मानव की बात करें तो मानव में देखो होता क्या है। देखो एक छोटा बच्चा है ना, एक शिशु है, एक शिशु है, ये क्या लिया बेटा, ये जन्म लिया, है ना, ये क्या आ गया, दुनिया में आया। ठीक है, दुनिया में आने के बाद ये थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, बड़ा हुआ। ठीक है, बड़ा होने के बाद युवावस्था आई, है ना, यानी ये सारी युवावस्था आई, युवा से थोड़ा सा ये किस एज में चला गया बेटा, ये चला गया यानी कि 40 से 50 में चला गया, फिर ये 60 70 यानी ये जो वृद्धावस्था आ जाती है। अब ये वृद्धावस्था आएगी, धीरे धीरे इनकी क्या होगी, जुड़न, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि चयापचय की क्रिया खत्म, प्रजनन अवस्था खत्म, सारी कहानी खत्म, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस बच्चे का क्या हो जाएगी, नेचुरल मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म के बाद से यानी कि यहाँ से अब इसकी क्या हो गई, इस बच्चे की मृत्यु हो गई, तो ये जन्म के बाद से और मृत्यु के पहले के बीच में जो समय होगा उस समय को ही हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका अलग अलग जीवन काल होता है, वो अलग अलग टाइम तक होते हैं। देखो अब हाथी की बात करते हैं, तो हाथी में हम लगभग क्या कहते हैं, 70 वर्ष कहते हैं कि लगभग जो अनुमानता है ना, अनुमानता जो हाथी का एक जीवन काल होता है, तो वो कहीं कहीं आपको कितना 65 से 70 भी मिल सकता है, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको क्या होगा कि ये कितना 65 से 70 वर्ष भी जी सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही डॉग की बात करते हैं तो डॉग का जो जीवन काल होता है 25 से 30 वर्ष या 20 से 25 वर्ष, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। काउ की बात करते हैं, सॉरी क्रॉ की बात करते हैं यानी कौवा की बात करते हैं, तो कौवा का लगभग कितना 15 ईयर्स होता है, कि उसकी पूरी जो लाइफ स्पैन होती है, जो नेचुरल मृत्यु होती है, ये अनुमान लगाया जाता है, तो वो 15 वर्ष होता है। इसी तरह अगर हम बटरफ्लाई यानी कि तितली की बात करते हैं, तो उनका 1 से 2 वीक यानी 1 वीक से 2 वीक का होता है। इसके बाद बनियान ट्री की बात करें बेटा, बनाना ट्री की बात करते हैं, तो वो 25 वर्ष यानी कि लगभग उसकी 25 वर्ष होता है। इसके बाद काऊ की बात करते हैं तो 20 से 25 वर्ष होते हैं। ठीक है, पैरट की बात करते हैं तो 140 वर्ष का इनका लाइफ स्पैन होता है। क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल कितना 60 वर्ष जीते हैं, यानी जो मगरमच्छ होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होगा कितना होगा, 60 वर्ष का होता है। इसी तरह अगर हम हॉर्स का देखते हैं तो 25 से 30 वर्ष का होता है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का देखते हैं तो 1 से 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम इनके बाद राइस प्लांट की बात करते हैं, तो राइस प्लांट का कितना 3 से 4 मंथ होता है। इसके बाद यहाँ पे कछुआ की बात करते हैं तो 100 से 150 ईयर्स का होते हैं, और अगर हम बनियान ट्री की बात करें तो 200 से 300 वर्ष होते हैं। तो ये सभी न सभी एक पौधे की लाइफ स्पैन होती है यानी कि जीवन अवधि होती है। तो उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय आएगा उसी को हम कहेंगे लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो चीज हमारी क्लियर हुई यानी कि जनन किसे कहते हैं और लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जनन की बात करते हैं, किसकी, रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे हम, रिप्रोडक्शन की, कि ये जनन क्या है, ये कितने प्रकार की है। ठीक है, ये जनन जो है ये कितने प्रकार की होते हैं ना, कितने प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम जनन की बात करें तो जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, बट इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या, अलैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बात एक ही है। ठीक, अब अगर दूसरा जो होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्या, लैंगिक जनन,
क्या बोलते हैं? सेक्सुअल को हम बोलते हैं लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। यानी देखो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन के ये टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो अलैंगिक जनन की बात करते हैं कि ये जो अलैंगिक जनन है ये होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अलैंगिक जनन क्या होते हैं। देखो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो देखो, जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया, क्या? जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें ठीक है जिसमें एकल जीव, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या करेंगे, एकल जीव भाग लेंगे। कौन से जीव? एकल जीव भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एकल जीव, यानी कि या तो नर लेगा या तो मादा। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या लेंगे? एकल जीव भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाग लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि या तो मेल भाग लेगा, या तो क्या लेगा भाग, या तो मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगा। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेता है, यानी सिर्फ एक ही जीव भाग लेगा, उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि ये जो जनन है वो किन किन जीवों में हो रहा है या किन किन जीवों में ये होते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, अमीबा, है ना, यानी कि मोनेरा जगत का जो प्राणी हो गया, है ना, मोनेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या, जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है, ये पैरामीशियम भी क्या कर रहा है, ये भी अलैंगिक जनन की क्रिया करता है, ठीक है। पैरामीशियम भी क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया को करते हैं। पैरामीशियम के साथ साथ क्या, अमीबा जो होती हैं, तो ये अमीबा है, अमीबा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। युगलिना हो गया, ये सभी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाइड्रा हो गया, इष्ट हो गया, इन सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। यानी जिनमें सिर्फ या तो मेल की जरूरत है या तो फीमेल की जरूरत है, तो ऐसे गुण को या ऐसे जनन को हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? इस प्रकार का जो जनन होगा उस जनन को हम कहेंगे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब बात आती है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की अगर देखो तो देखो, जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, क्या, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें दो भिन्न जीव, जिसमें दो भिन्न जीव, ठीक है, जिसमें दो भिन्न, यानी कि नर अलग, दो भिन्न जीव, यानी नर अलग, दो भिन्न जीव, यानी कि नर नर और मादा, तो दो भिन्न जीव नर और मादा क्या करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, दो भिन्न जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, भाग लेते हैं तो उनको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो जैसे क्या होगा बेटा, मानव होगा ना, क्या हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे। मानव के साथ साथ बेटा पुष्पी पादप, क्या, पुष्पी पादप हो गए, ये सभी एग्जाम्पल। और भी जो जंतु होते हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सभी एग्जाम्पल हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे, ठीक।
तो सेक्सुअल और असेक्सुअल में ये डिफिनेशन होती है, तो ये भी चांसेस होते हैं आपके डिफिनेशन पूछने की। तो जिसमें सिर्फ एकल जीव यानी चाहे नर भाग लेगा चाहे मादा भाग लेगा उसको हम बोलेंगे अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जितने भी मोनेरा होते हैं जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं लगभग उनमें असेक्सुअल ही प्रेजेंट होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, नर अलग होगी मादा अलग होगी, ये दोनों जीव आपस में भाग लेके एक नए संतति का एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उनको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, एग्जाम्पल की बात करेंगे, मानव हो गया, पुष्पी पादप हो गया, और भी जो उच्च श्रेणी के प्लांट हैं और भी जो उच्च श्रेणी के एनिमल हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, इसमें बेटा और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम देख लेते हैं, है ना। इनके अंदर और भी डिफरेंस है ना, कई सारे इसके अंदर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, देखो आगे बात करें और भी इनमें क्या अंतर है। देखो एक और होता है, इनमें हमेशा हमेशा क्या होगा, इनके जो संतति होगी ये समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न सभी संततियां अकार्की में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि अलैंगिक जनन के द्वारा, यानी कि अगर मान लो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बेटा है, तो इस अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर कोई भी जीव का फॉर्मेशन हुआ है तो वो मॉर्फोलॉजी है ना, आकार की रूप से, किससे, आकार की रूप से, यानी आकार की अगर उनकी उनकी देखें, ठीक है, अगर उनकी हम आकार की देखें और उनको हम आंतरिक देखें, अगर हम आकार की और आंतरिक दोनों रूप से देखें, आकार की व आंतरिक हम दोनों रूप से देखते हैं, तो इनसे जो उत्पन्न संततियां हैं वो क्या होंगी, समान होंगी। किसके समान होंगी, ये जो समान होंगी अपने जनक के, किसके, अपने जनक के समान होंगी। ठीक है, जो संतति होगी वो अपने जनक के समान होती है, कौन, जो संतति यानी कि जिनसे इनकी संतति निर्माण हुई है। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ ये हमेशा ये किसके द्वारा, ये जो संतति उत्पन्न होंगी अलैंगिक जनन में, जो संतति उत्पन्न होंगी वो हमेशा समसूत्री विभाजन के द्वारा, क्या, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही उत्पन्न होंगी। किसके द्वारा, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा ही यहाँ पे संतति उत्पन्न होगी। जब समसूत्री क्या होगा, माना बात देखो, अगर ये 2n सेल है, ये 2n सेल है और ये क्या करेगी अपने संतति का, तो एक सेल से यहाँ पे दो सेल्स का निर्माण हुआ, एक सेल बनी ये और एक सेल बनी ये, तो अगर इनमें बेटा गुणसूत्र की संख्या 46 है, गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो इनसे जो यहाँ संतति बनी है इनमें भी 46 क्योंकि ये 2n है और इनमें भी 46 क्योंकि यहाँ पे 2n ही है, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। इसीलिए जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो अकारकी से, आंतरिक रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से, और ये मॉर्फोलॉजी है ना, बाह्य संरचना और उनकी हम आंतरिक संरचना देखें, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल देखें और इसके साथ साथ उनका रंग, कलर, साइज, ये सारी चीज देखें, तो वो हूबहू अपने जनक के समान ही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें युग्मक जनन नहीं होता। देखो ये जो उत्पन्न होंगी, अगर इनके हम उत्पन्न की बात करते हैं, तो ये उत्पन्न इनमें जो होगा ये गैमिट से भी हो सकते हैं, बिना गैमिट के भी हो सकते हैं, इनमें आप दोनों देखोगे, बट इनमें एक प्रोसेस और नहीं होगी, वो क्या है, युग्मक जनन, सॉरी सलयन की क्रिया नहीं होगी, इनमें सलयन नहीं होता है, यानी कि नर और मादा का निषेचन नहीं होगा, तो सलयन यहाँ पे नहीं होता है। किसमें, अलैंगिक जनन में ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम यही सेक्सुअल की बात करते हैं, अगर हम यही किसकी बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी, अगर बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें युग्मक जनन की क्रिया, कौन सी क्रिया होगी, इनमें युग्मक जनन की क्रिया होती है। युग्मक जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो इस युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा हमें दो चीज प्राप्त होती है, एक होता है मादा युग्मक, ठीक है, एक प्राप्त होती है मादा युग्मक, ठीक है,
ठीक है। दूसरा होता है नरयुग्मक, नरयुग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों नर और मादा, ठीक है, ये दोनों और हमेशा ये कैसे होते हैं बेटा, ये एन होते हैं, ये हमेशा एन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त होती है। इनमें हम ये देखेंगे कि इनमें अर्धसूत्री भी होगा, क्योंकि आगे ये समसूत्री को दिखाएंगे और फिर बाद में ये अर्धसूत्री को दिखाएंगे, ठीक है। तो इनमें जब दोनों का ये संलयन हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, संलयन की क्रिया, यानी कि क्या करेंगे, युग्मनज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इनमें संलयन भी होगा और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और ये भ्रूण आगे जाके एक नए जीव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो भ्रूण होगा, ठीक है, युग्मनज और ये भ्रूण आगे जाके एक नई संतति का निर्माण करेगा। तो ये हम देखते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत देखते हैं, ये हम देखते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन के अंतर्गत देखते हैं। इसके साथ साथ ये किसमें होगा, ये किसमें होता है, तो ये दोनों में होगा। ये चाहे एक कोश की जीव है, चाहे एक कोश की जीव है ठीक, और चाहे बहु कोश की हो, तो एक कोश की और बहु कोश की दोनों प्रकार के जीवों में सेक्स रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। चाहे उसका बॉडी एक ही सेल से क्यों निर्माण ना हो, फिर भी सेक्सुअल होगा, और चाहे उसकी बॉडी का फॉर्मेशन दो से ही क्यों ना निर्माण हो, फिर भी सेक्सुअल होगा, ठीक। तो ये होते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस देखें या हम टाइप्स को देखते हैं। अब इसके पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के प्रकार। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक, यानी कि जनन, लाइफ स्पैन और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तीनों टॉपिक आपने नोट भी कर लिए और आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, है ना, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार को। क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार के। तो अब आप हेडिंग डालोगे मेरे साथ अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या डालोगे? अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार की हम बात करते हैं, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम बात क्या करेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार के, कि क्या क्या होते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। बेटा अगर हम प्रकार की अगर हम बात करेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रकार की बात करते हैं, तो इनमें आप कई सारे मेथड को देखते हो, इनके अंतर्गत आप बहुत सारे मेथड को देखोगे, लेकिन हमें जिस लेवल का पढ़ना है, जिस लेवल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उनका डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ चले जाएं, है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाएं या कोई अदर की चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दे, है ना। तो जो आपके बुक में दिया है वही हम पढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करते हैं, तो इनके कई सारे प्रकार होते हैं, इनके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे क्या होता है, पहले की अगर हम बात करते हैं, पहले प्रकार की बात करें, तो पहला प्रकार जो इनमें होगा विखंडन होता है। क्या? पहला जो प्रकार होता है इनमें विखंडन होता है। विखंडन को हम कहते हैं फीजन। विखंडन को हम क्या कहते हैं? फीजन कहते हैं। क्या? विखंडन को हम कहते हैं फीजन। अब अगर हम इस विखंडन को देखेंगे तो ये टू टाइप्स का होता है। हालांकि इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन लगभग हम दो प्रकार के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक होता है बेटा क्या? द्विखंडन। एक होता है द्विखंडन। एक को हम क्या कहते हैं? द्विखंडन, ठीक है। एक होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। एक होगा द्विखंडन और दूसरा होगा बहुखंडन। अगर हम द्विखंडन की बात करें तो इनको हम कहते हैं बाइनरी फीजन। क्या? बाइनरी। एक एक करके अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी,
पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे को हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। तो ये तो हो गया इसका पहला टाइप्स हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत प्रकार होते हैं। इसके साथ साथ दूसरे की बात करें तो दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो क्या आता है, मुकुलन। क्या मुकुलन होता है, क्या मुकुलन, मुकुलन की बात करें तो मुकुलन को हम क्या कहते हैं, बडिंग। क्या बडिंग, यानी कि उभार निकल जाना, कोई भी जीव शरीर के या जनक शरीर के बॉडी पे क्या निकल जाना, उभार निकल जाए और वही उभार क्या करे, आगे ग्रोथ करे, वृद्धि करे और वृद्धि करके एक नए जीव का क्या कर दे, निर्माण कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन यानी कि बडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है क्या, पुनरुद्भवन। अगर हम तीसरे टाइप्स की बात करें तो इनमें जो तीसरा टाइप्स आ जाता है वो आएगा क्या, पुनरुद्भवन। क्या पुनरुद्भवन आता है, पुनरुद्भवन को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन को क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, रीजनरेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चा इन्हीं में और सारे टाइप्स आते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो रीजनरेशन के बाद आते हैं बीजाणु द्वारा। क्या आते हैं, बीजाणु द्वारा, किसके द्वारा, यानी स्पोर के द्वारा। तो इनमें बीजाणु के द्वारा भी, जो बीजाणु के द्वारा, स्पोर के द्वारा, ठीक है, बीजाणु द्वारा यानी बाई स्पोर। क्या बाई स्पोर, अगर कोई जीव का है ना, बाई स्पोर किसी जीव का निर्माण हो रहा है तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ये सारी टॉपिक जो आएंगे असेक्स रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, सभी किसके अंतर्गत आएंगे, सभी टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आएंगे, बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो विखंडन, विखंडन हम टू टाइप्स का देखेंगे, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग देखेंगे और रीजनरेशन आता है और बाइस्पोर आता है। इसके बाद इसी में आते बच्चे क्या आपके फ्रेगमेंटेशन, यानी क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, खंडन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, खंडन। खंडन यानी कि कोई ऐसा जीव है, कोई भी फ्रॉगमेंटेशन, यानी कोई ऐसा जीव है जिसकी बॉडी क्या हो जाएगी, खंड खंड में डिवाइड हो जाए। कोई भी जीव खंड खंड में क्या हो जाए, उसकी बॉडी डिवाइड हो जाए तो उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इसके बाद जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है वो आती है कायिक जनन। क्या आती है, कायिक जनन, कायिक जनन। तो कहीं कहीं आपको इसके थ्री टाइप्स भी दे देता है, तो ये असेक्सुअल के ही अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम असेक्सुअल के अंतर्गत ही देखेंगे। ठीक है, कायिक जनन, या इसको हम एक नाम और कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रवर्धन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हम इसको एक नाम और देते हैं प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन। ठीक है, तो या तो कायिक जनन या तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन की बात करते हैं तो आप कायिक जनन के अंतर्गत हम दो मेथड को देखेंगे, दो भाग को देखेंगे। एक हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, या आगे हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। पहला हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। क्या प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन को देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल तरीके से ना, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ भी बोलो दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा इसमें क्या देखेंगे हम, दूसरा जो टॉपिक होगी वो क्या होगी, कृत्रिम। क्या होगी, कृत्रिम। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन,
सेकेंड टॉपिक हम क्या देखेंगे इसमें, दूसरा होता है कृत्रिम जनन यानी कि कायिक जनन, जिसको हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हम इसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर चैप्टर हमारा खत्म, है ना। जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है वही तरीका हम लोग बेटा यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है, क्लियर क्लियर। देखो हम क्या देखें, अगर हम असेक्सुअल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणुत जनन और खंडन, और क्या आता है आपका कायिक जनन, यानी कि जो एक नेचुरल होता है और एक कृत्रिम होता है। नेचुरल की बात करेंगे बेटा तो ये नेचुरल तरीके से होगा, इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम नेचुरल की बात करेंगे तो ये नेचुरल तरीके से होगा, हम इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो इनमें कौन होगा, मानव, ये मानव के द्वारा होगा। कौन करेगा इसमें, मानव करेगा। जैसे आप पढ़ेंगे ना विपुंसन, है ना, आपने पढ़ा होगा विपुंसन, विपुंसन, ठीक है, और उसके बाद थैलीकरण होता है ना, विपुंसन थैलीकरण, उसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंतर्गत रोपण हो गया, है ना, दाब कलम लगाना। तो ये सारी सभी जो मेथड होगी वो हम किस में किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, तो प्राकृतिक तरीके से, और नेचुरल जो होगी वो नेचुरल तरीके से, क्लियर है। अब हम सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या विखंडन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे विखंडन, आखिर ये विखंडन होता क्या है। तो सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालोगे विखंडन, सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालना विखंडन, विखंडन यानी कि फीजन, विखंडन यानी कि फीजन। अब ये फीजन की डिफिनेशन क्या होती है, या हम फीजन किसे कहते हैं, या हम विखंडन किसे कहते हैं, या विखंडन होता क्या है, ठीक है। विखंडन देखो, अब विखंडन की बात करते हैं तो इनमें मुख्य क्या होता है बेटा कि जनक शरीर, ठीक है, जनक का शरीर, ठीक है, जनक का शरीर दो भागों में, ठीक है, जो जनक है उस जनक का शरीर क्या होगा, दो भागों में विभक्त होकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। संतति का निर्माण करते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद संतति का निर्माण करती है, ठीक है, ओके। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आता है, इनके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, द्विखंडन की, क्या द्विखंडन की बात करते हैं कि ये द्विखंडन क्या है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं द्विखंडन की, यानी जो बाइनरी फ्यूजन है, ये बाइनरी फ्यूजन होता है क्या है। देखो तो द्विखंडन की बात करते हैं तो ये स्पेशली हम दो चीजों में देखते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें बच्चे, तो एग्जांपल में स्पेशली हम किस में देखते हैं, अमीबा में, किस में हम देखते हैं, अक्सर करके ये हमें किस में दिखाई देता है, अमीबा में, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया में ये चीज हम देखते हैं, अमीबा में और बैक्टीरिया में, ये दोनों यानी द्विखंडन विधि हमें नजर आती है, अमीबा में बैक्टीरिया में। अब अगर हम अमीबा की बात करें, किसकी बात करते हैं, अमीबा की। अब आप सभी को पता है ये जो अमीबा होती हैं ये अनिश्चित आकार के होते हैं। अमीबा के आकार की हम बात करें तो अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता, अमीबा के आकार की बात करें हम तो इनका कोई भी आकार नहीं होता, है ना, कोई भी इनका क्या है, आकार नहीं होता, ठीक। ये अनिश्चित आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये अनिश्चित आकार के होते हैं। अब ये करते क्या है, देखो अब ये यहाँ पे क्या है, ये जनक है, ये क्या है, ये है जनक की बॉडी, ये यहाँ पे क्या है, जनक है,
अब ये जनक क्या करेगा देवखंडन में, ये अपने बॉडी को तोड़ेगा, अपने बॉडी को क्या करेगा ये तोड़ेगा। हाँ तोड़ेगा तो इनमें एक चीज आपको चेंज नजर आएगा। सबसे पहले अगर कोई भी सेल्स है और उस सेल से अगर नए जीव का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नए जीव का अगर निर्माण हो रहा है, तो उनमें सबसे पहले साइटोकाइनेसिस से पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि इसका केंद्रक है ना, पहले क्या करेगा इसका ये जो केंद्रक है ये केंद्रक बटेगा, ये केंद्रक क्या होंगे ये बटेंगे, धीरे धीरे ये आगे जाके ये केंद्रक क्या हो जाएंगे ये अलग हो जाएंगे। ये दोनों का केंद्रक यानी कि ये आपस में दोनों सटे ही हैं, सटे होने के साथ साथ यहाँ पे हम ये देखेंगे कुछ इस तरीके का कि ये केंद्रक बट के एक केंद्रक यहाँ आ गया, एक केंद्रक यहाँ आ गया। अब यहाँ पे यही सेल आगे जाएगा और आगे जाने के बाद ये दो अमीबा का, ठीक है, दो अमीबा का, क्योंकि अमीबा का आकार तो निश्चित होता नहीं है, तो ये दो अमीबा का क्या कर देगा, दो संतति का निर्माण कर देगा। क्या करेगा यहाँ पे, ये दो संतति का निर्माण कर देगा। तो ये होता है द्विखंड, यानी कि देखो एक जनक है, अब एक जनक से यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, ये निर्माण है यहाँ पे दो संतति का, दो संतति का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं द्विखंडन, यानी जनक का शरीर दो भागों में डिवाइड हो गया। जो जनक है उस जनक का शरीर क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है बेटा, अगला बात आती है बहुखंडन की। हम बात किसकी कहते हैं, अब बात आती है बहुखंडन की, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन की। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या डालोगे, बहुखंडन, बहुखंडन। अब ये बहुखंडन क्या होता है, यहां बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल फ्यूजन हम किसे कहते हैं। देखो अब अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें बच्चा, कि ये बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं, तो शॉर्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड डिफिनेशन तो आपकी पूछी नहीं जाती है, अगर हम छोटी सी डिफिनेशन बोले तो क्या होगा, जनक का शरीर कई भागों में बढ़ जाता है। इनमें मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, जो जनक की बॉडी होगी, ठीक है, क्या होगा, जो जनक की बॉडी, ठीक है, जनक की बॉडी, जनक की बॉडी यानी शरीर, ठीक है, तो जनक की बॉडी यानी कि शरीर कई भागों में, शरीर क्या होती है, कई भागों में विभक्त हो जाती है या बट जाती है, तो कई भागों में विभक्त हो जाती है, कई भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, क्या होंगे ये, कई भागों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाती है, तो ये कई भाग में विभक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे एक भयानक जीव का नाम है, और वो भयानक जीव ऐसा है जो हम मानव जाति को, अगर हम अपने इंडिया में बात करें, अगर भारत में हम बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, अगर अपने भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर हम पीड़ित होते हैं, तो मच्छरों के काटने से ज्यादा अगर हमारे अंदर वो बीमारियां पैदा हो रही है, हमें बीमारियां हो रही है, तो मच्छर के काटने से ही होती है। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा, एक प्रोटोजोआ का प्राणी है, क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्रोटोजोआ का प्राणी है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, ये मल्टीपल फ्यूजन को दर्शाते हैं, क्या करते हैं, ये मल्टीपल फ्यूजन को दर्शाते हैं, यानी कि ये मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा अपनी ढेर सारी सेना को तैयार करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन की क्रिया करते हैं, और उस क्रिया के द्वारा ढेर सारी सेना को वे अपने तैयार करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल फ्यूजन को छोड़े बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोटोजोआ का क्या है, प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम के द्वारा हमें क्या होता है, हमें होता है इनसे मलेरिया, हम किससे ग्रसित हो जाते हैं, मलेरिया बुखार से। तो इस प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट है, इसका जो स्पोरोजॉइट होता है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये मच्छर में, और मच्छर के कहाँ, मच्छर के लार्वा में होते हैं,
और जब वही मच्छर हमें काटता है, जब वही मच्छर हम मानव को काटता है, तो वो मच्छर का जो स्पोरोजाइट है वो कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में, ब्लड के थ्रू अकृत सेल में यानी लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन यानी एक सेल से ढेर सारी सेना का निर्माण करते हैं और ये हमें कॉज करते हैं, यानी कि हम मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना बहुखंडन का प्लाज्मोडियम, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि स्पेशली यही एक है, और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है, अगली हेडिंग हमारी क्या आती है, मुकुलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाई बडिंग, है ना। तो अगली हेडिंग आप क्या डालोगे? मुकुलन। क्या डालोगे? मुकुलन। यानी कि बडिंग, मुकुलन यानी कि हम क्या देखेंगे? बडिंग को देखेंगे कि ये बडिंग क्या होती है। अगर हम बडिंग की बात करें, अगर हम बडिंग की बात करते हैं, ये बडिंग क्या होती है या मुकुलन क्या होता है? देखो इनमें क्या होगा कि एक उभार, ठीक है, जनक शरीर पे एक उभार वृद्धि करके, ठीक है, एक उभार वृद्धि करके जनक से अमुक्त हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा उभार होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जनक शरीर से एक उभार होता है जो वृद्धि करता है और वो अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर देता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक उभार यानी जो मुकुल होता है वो वृद्धि करके जनक शरीर से अमुक्त हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, ठीक है। तो लिखोगे क्या? एक उभार उभार का मतलब बेटा क्या? मुकुल, मुकुल, मुकुल मतलब बड, मुकुल मतलब आप बेटा बोलेंगे बड ना, कलिका भी कह सकते हैं। तो एक उभार, ठीक है, वृद्धि करके, क्या करके? ग्रोथ करके। तो वृद्धि करके जनक शरीर से, जनक शरीर से, जनक शरीर से अलग होकर, जनक शरीर से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो जनक शरीर से अलग होकर, ठीक है, जनक शरीर से क्या हो जाएंगे? ये अलग होंगे और अलग होकर क्या करेंगे? एक संतति का, ठीक है, जनक शरीर से अलग होकर एक जीव का निर्माण करते हैं, या एक जीव का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन, या हम बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये दोनों में पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यानी बात करते हैं तो ये दोनों में, यानी कि किस में? पौधों में भी पाया जाता है, पौधों, या हम पौधों की बात छोड़ें, जैसे इष्ट में, जो हमारी इष्ट कोशिका है, तो ये इष्ट में भी प्रेजेंट होता है मुकुलन, और इसके साथ साथ हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा का जो प्लांट होता है उस हाइड्रा में भी ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हाइड्रा में भी हमें ये देखने के लिए मिलते हैं, इष्ट में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों जो गुण होते हैं वो कहाँ पे? हमें मुकुलन के द्वारा होते हैं, यानी कि इष्ट के शरीर होगी तो उस इष्ट के शरीर पे उभार निकलेगा, वो धीरे धीरे उभार क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद एक नए जीव का, है ना, एक नए जीव का क्या करेगा? निर्माण कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अगर इसके डायग्राम को हम देखें, ठीक ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, देखो क्या है, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये आपके सामने क्या दिख रहा है? ये हाइड्रा है, ठीक है, कि आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा? ये जो डायग्राम है ये क्या है? हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा है। अब हाइड्रा में, ठीक है, इस हाइड्रा में ये जो बॉडी है बेटा वो किसकी है? आपको जनक की बॉडी दिख रही है, हाइड्रा है, इस हाइड्रा में बॉडी किसकी दिख रही है? जनक की, ठीक है। अब इसी जनक के बॉडी में आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा उभार निकल रहा है, ये जो जनक है इस जनक के बॉडी में पहले उभार निकल रहा है, धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद जब पूरी प्रॉपर इसका ग्रोथ हो जाता है तो इसी जनक शरीर के द्वारा, इसी जनक शरीर के द्वारा एक नए जीव का, ठीक है, एक नए जीव का, यानी कि एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ओके।
तो ये हम बाई बडिंग यानी मुकुलन विधि द्वारा अगर हम देखते हैं तो वो हम हाइड्राम देखते हैं। इसी तरीके से जो हमारी इष्ट कोशिकाएं होती हैं, इष्ट कोशिकाओं में भी ये ऐसा होता है कि उसमें उभार निकलेगा, वो उभार धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, जब धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो उनके द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पुनरुद्ध भवन की। किसकी हम बात करते हैं, पुनरुद्ध भवन की। तो हेडिंग क्या डालोगे आप, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का मतलब हो जाता है रीजनरेशन, रीजनरेशन। ये आपको देखने के लिए कहां मिलेगा, ये हमेशा हम देखते हैं इनको प्लेनेरिया में। किसमें देखते हैं, प्लेनेरिया में हमें ये अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो पुनरुद्ध पुनर्जनन की बात करते हैं या पुनरुद्ध भवन की बात करते हैं तो क्या होगा, नष्ट हुए भागों को कोशिका विभाजन द्वारा ठीक करना। ठीक है, यानी नष्ट हुए भाग, जैसे एग्जाम्पल की बात करें इनमें हम, इसमें आप हमेशा याद रखना क्या, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया में आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। जैसे ये प्लेनेरिया की बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया की बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। ठीक है भाई, प्लेनेरिया है तो इसका एक न्यूक्लियस भी होगा। ठीक, रीजनरेशन, कटे हुए भाग को मान लो हम इसको क्या कर दे, काट दे, क्या कर दे, काट दे, इसको हम जबरी काट दें या इसको हम नष्ट कर दें या इसको हम क्या कर दें, क्षतिग्रस्त कर दें, या ये किसी कारण से हो जाए या जानबूझ के हो जाए, इसको हम क्या कर दें, काट दें, नष्ट कर दें। अब देखो इनका जो प्रत्येक भाग है, इस प्लेनेरिया का जो क्या होगा, जो प्रत्येक भाग होगा, ठीक है, ये आगे जाके क्या करेंगे, ग्रोथ दर्शाएंगे। तो इनका जो ये प्रत्येक भाग, माना बात देखो, ये भाग है, ये भाग कटा हुआ है, ठीक है, नीचे ये भाग है, ये इस तरीके का कटा हुआ है, ठीक है, ये भाग है, ऊपर अगर हम देखें तो ये ऊपर ये भाग कटा हुआ है, ठीक है, ये भाग कटा हुआ है। तो इनमें इतनी असीम कैपेसिटी होती है या कि इनमें इतना अच्छा गुण होता है कि इनका जो प्रत्येक कटा हुआ भाग है, इनका जो या प्रत्येक क्षतिग्रस्त भाग है, इनका चाहे प्रत्येक कटा हुआ भाग की बात करें या प्रत्येक क्षतिग्रस्त जो भाग होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक नए प्लेनेरिया का, इनके द्वारा एक नए प्लेनेरिया का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये भी है तो इनके द्वारा एक नए प्लेनेरिया का, इनके अंदर वो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू एक नए जीव का क्या कर दे, निर्माण कर दे, है ना। तो ये हम कह सकते हैं जनक की ही बॉडी से, है ना, ये क्या होगा, ये जनक की ही बॉडी से निर्माण हो गए। अब देखो ये जनक है, ये जनक है, अब इस जनक के भाग को हमने क्या कर दिया, या तो नष्ट हो गया इसको, या तो क्षतिग्रस्त हो गया, और जिससे क्या हो गया, यहाँ पे संतति का, किसका निर्माण हो गया, संतति का निर्माण हो गया। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं, यानी कटे हुए भाग वापस से वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर दे, एक नए संतति को निर्माण कर देते हैं। इस कैपेसिटी को या इस गुण को हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन। क्या, इस गुण को कहेंगे पुनरुद्ध भवन या तो फिर रीजनरेशन कहते हैं। अब एक आता है हमारे पास क्या, बीजाणु द्वारा, ठीक है, एक क्या आता है बेटा, जो अगला प्रकार आता है वो आएगा आपको बीजाणु द्वारा, या हम ये कह सकते हैं बीजाणु जनन, ठीक है, या तो बीजाणु द्वारा या तो हम बीजाणु जनन भी कहते हैं, ठीक है। तो बीजाणु द्वारा, अगली हेडिंग क्या है, बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा, या हम इसको एक नाम और देते हैं क्या, बीजाणु जनन, क्या, बीजाणु जनन देते हैं, ठीक है, बीजाणु जनन। तो देखो या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइस्पोर, क्या, बाइस्पोर, ठीक है, या तो स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन,
तो ये जो दोनों विधि होती है, अगर हम बीजाणु जनन की बात करें या बीजाणु बाई स्पोर की बात करें या स्पोरुलेशन की बात होगा, तो इनमें क्या होगा बेटा, बीजा एक नए एक कोश की बीजाणुओं का एक जीव द्वारा बनना, नए एक कोश की बीजाणुओं का एक नए जीव द्वारा बनना, यानी कि पेनिसिलियम में हम देखते हैं, हम इसमें क्लाइडोफोरा में देखते हैं, तो इन सभी में हम इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बाई स्पोर, जैसे क्लेवाइडोफोरा होता है, ठीक है, क्लेवाइडोफोरा है, ठीक है, अभी एक जनक की बॉडी है, ठीक है, अब जनक की बॉडी है, या हम वॉलवॉक्स को भी देखते हैं, अब इनमें क्या है, ढेर सारे है ना, ढेर सारे क्या हैं, स्पोर है, ढेर सारे क्या हैं, स्पोर है ना, अभी ढेर सारे स्पोर भरे हुए हैं, अभी स्पोर क्या करेंगे, इसकी जो लेयर फटेगी, अब इनसे ये स्पोर क्या होंगे, हवा में है ना, ये कहीं भी इधर उधर बिखर जाएंगे, अभी जब कहीं भी इधर उधर बिखर जाएंगे तो एक नए जीव की क्या कर देंगे, एक नए न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की निर्माण कर देंगे। तो बीजाणु के द्वारा, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना पेनिसिलियम क्या होता है, इसमें पेनिसिलियम में होता है पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में बीजाणु के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पेनिसिलियम में बीजाणु के द्वारा ये क्रिया होती है। इसके साथ साथ आप क्लाइडोफोरा में देख सकते हो, क्लाइडोफोरा जो आपके एनसाटी में एग्जाम्पल भी है, तो आप क्लाइडोफोरा में भी देख सकते हो। अगर हम इसके गैमेट को देखते हैं तो इसका मेल और फीमेल दोनों गैमेट समान होते हैं, यानी कि अगर इनके हम गैमेट की बात करें क्लेमाइडोफोरा की, तो ये क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं, होमोजाइगस, क्यों, क्योंकि चाहे अगर इनका मेल है, ठीक है, और चाहे इनका फीमेल है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो बीजाणु के द्वारा यानी बाई स्पोर यानी हवा के द्वारा क्या होगा, इनके जो स्पोर होंगे, इनकी लेयर जो होगी वो स्फुटन होगा, इनकी लेयर फटेगी, ये कहीं भी हवा में इधर उधर उड़ जाएंगे, है ना, उड़ जाएंगे, तो इनका स्पोर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और एक नए जीव का, एक नए पेनिसिलियम का, एक नए क्लाइडोफोरा का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस कैप्सुलरी को हम कहते हैं बाई स्पोर या स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इस गुड़ को, या तो बाई स्पोर या तो स्पोरुलेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। तो वापस से कह रही हूँ, क्लास को सेव करते रहो और नोट करते रहो, ये छोटी छोटी पॉइंट्स ही, ये छोटे छोटे लाइन ही आपको बहुत अच्छे से काम देंगे ना, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है, ओके। चले इसके आगे की टॉपिक को देखते हैं, किसके आगे टॉपिक में क्या है, ठीक है, तब तक आपको नोट करते रहने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा खंडन की, है ना, इसके पीछे हमने सारे टॉपिक देख लिए, अब हमारा बचा क्या है, खंडन, ठीक है, खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, खंडन, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, खंडन। खंडन का मतलब ही हो जाएगा बेटा क्या, ब्रेक डाउन होना, है ना, खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन यानी कि कोई ऐसी बॉडी होगी, है ना, कोई ऐसा जीव होगा जो कई भागों में क्या हो जाएंगे बच्चे, टूट जाएंगे, ठीक है। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो जनक है ना, यानी कि एक जीव का खंडों में विभाजन होता है, ठीक है, कोई एक जीव है क्या, कोई एक जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, ठीक है, और वो उसका क्या होगा बेटा, खंडों में, है ना, कई सारे खंडों में उसका क्या होगा, खंडों में क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। और जब वो खंडों में विभाजन हो जाएगा तो जो उसका प्रत्येक खंड होगा, है ना, प्रत्येक खंड जो होगा वो प्रत्येक खंड क्या करेगा, एक नए जीव का, किसका, एक नए जीव का निर्माण कर देगा, ठीक है, एक नए जीव का निर्माण कर देगा। तो ये जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, खंडन विधि। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये किसमें देखा जाता है, तो देखो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, है ना, स्पायरोगायरा, ये जो सवाल है ना, स्पायरोगायरा क्या है, ये बच्चा एक एल्गी है ना, क्या है, ये सवाल है, तो ये हमें स्पायरोगायरा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद फंजाई में, और कौन सी, जो फिलामेंटस फंजाई होती है, या हम इसको ये कह सकते हैं तंतुमय, है ना, तंतुमय कवक, तो जितने भी तंतुमय कवक होते हैं उनमें भी ये फ्रैगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल जैसे ये स्पायरोगायरा की बॉडी है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक स्पायरोगायरा है, ठीक है, ये स्पायरोगायरा फिलामेंटस लाइक है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ साथ इसका अपना साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। अब इस स्पायरोगायरा का किसी भी कारणवश क्या हुआ, ये बॉडी
क्षतिग्रस्त हो गई, है ना, ये बॉडी क्या हो गई, किसी भी कारणवश से क्या हो गई, कट गई। कट गई तो प्रत्येक जो बॉडी होगी, इसका प्रत्येक जो बॉडी होगी, इस प्रत्येक बॉडी से क्या, एक न्यू बॉडी, है ना, एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन यानी कि एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें यानी कि जीव कई खंडों में डिवाइड हो जाए, प्रत्येक खंड विभाजन होके एक नए जीव का निर्माण कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने प्लेनेरिया भी एक तरीके से खंडन का ही एग्जाम्पल आ जाता है, और ये रीजनरेशन और खंडन एक दोनों एक तरीके का ही हम देखते हैं। जैसे अब आपको एक दिख क्या आ रहा है बेटा, एक प्लेनेरिया है, इस ये एक बॉडी है और वो दो भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, और इसी तरह बेटा यहाँ पर रीजनरेशन प्लेनेरिया में आप देख रहे हो कि ये प्लेनेरिया है, किसी कारणवश इसका बॉडी टुकड़ा टूट रहा है, और प्रत्येक बॉडी टुकड़े से यानी ये आधा भाग है तो अभी इससे एक नए जीव का निर्माण, और ये आधा भाग है तो इससे भी पूर्ण विकसित जीव का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो होगी सभी आपके खंडन, बडिंग, ये सभी प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कायिक जनन की। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, अब अगली हेडिंग हम आप डालोगे कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन या प्रवर्धन, हेडिंग डालोगे कायिक जनन। ठीक है, या प्रवर्धन, कायिक जनन या प्रवर्धन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या क्या, प्रोपेगेशन बोलते हैं बेटा, क्या, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब अगर हम कायिक जनन की बात करते हैं तो ये जो कायिक जनन है इसकी दो विधि है, ये जो कायिक जनन है इसकी दो विधि होती है। कौन कौन सी, देखो कायिक जनन की बात करें, इनकी दो विधि, एक तो होती है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, पहली जो होती है वो होती है बेटा क्या, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि। ठीक है, एक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन की। ठीक है, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि होती है। ठीक है, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ, ठीक है, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल मेथड ऑफ, ठीक है, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव, है ना, शॉर्ट में समझ लेना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो हो गया कायिक जनन की प्राकृतिक विधि। दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है कृत्रिम वृद्धि, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, दूसरी जो विधि होगी वो क्या होती है, कृत्रिम कायिक जनन। इस कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो कायिक जनन की बात करें यानी कि कायिक जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक प्राकृतिक, ना प्राकृतिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। आप देखो कायिक जनन में जो होगा, अगर हम कायिक जनन की बात करते हैं तो, या पूरी कायिक जनन की बात करें तो जड़ तना पत्ती के द्वारा, है ना, यानी कि अगर इसके डिफिनेशन बोलें तो इनमें देखो क्या होगा, अगर इनका निर्माण किससे, रूट के द्वारा, ठीक है, स्टेम के द्वारा और लीप के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीप के द्वारा। ठीक, तो टू टाइप्स के होते हैं, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि और कृत्रिम कायिक जनन या कायिक जनन की कृत्रिम विधि। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा कायिक जनन की प्राकृतिक विधि की। ठीक है, अब अगर हम कायिक जनन की प्राकृतिक विधि की बात करते हैं तो हेडिंग क्या डालोगे, कायिक जनन की प्राकृतिक विधि की। ठीक है, वो आप हेडिंग डालोगे। अब इसमें कायिक जनन की प्राकृतिक विधि में बेटा तीन चीज होती है, इस कायिक जनन की अगर हम प्राकृतिक विधि में देखेंगे तो इनमें हमें तीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब वो तीन चीजें क्या हैं, देखो किसके द्वारा, तना के द्वारा, ठीक है, यानी स्टेम के द्वारा,
ये कायिक जनन की विधि ही होती है, रूट के द्वारा, ठीक है, यानी मूल या हम जड़ कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा है पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा, तो हम ये लीप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो विधि होती है, ये कायिक जनन की क्या होती है बच्चे, प्राकृतिक विधि होती है, ठीक है। कायिक जनन की क्या होती है, प्राकृतिक विधि होती है। अब तना की बात करते हैं, तना में क्या क्या आ जाएगा, जैसे क्या होगा बेटा, तना में अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, कंद, प्रकंद और सलकंद, ठीक है। क्या कंद आ जाएंगे, ठीक है, साथ साथ क्या प्रकंद आ जाएंगे, ठीक है, और तीसरा इसमें क्या आ जाते हैं, सलकंद आ जाएंगे। तो ये कायिक जनन की प्राकृतिक विधि होती है, और कायिक जनन की प्राकृतिक विधि में बाई स्टेम होती है, किसके द्वारा होगी, बाई स्टेम। अब हम कंद की बात करें तो कंद में क्या शामिल होगा, आलू, है ना। आलू में हम देखते हैं आलू में क्या निकलते हैं, कंद निकलते हैं। इसके बाद प्रकंद की बात करते हैं तो ये प्रकंद यानी राइजोम, है ना। राइजोम हमें किस में दिखेगा, केला में दिखेगा, साथ साथ किस में, अदरक में हमें देखने के लिए मिलता है। सलकंद की बात करते हैं तो सलकंद हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमें मिलेगा प्याज में, ठीक है, प्याज में हम देखते हैं, और किस में, लहसुन में, प्याज और लहसुन में ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बाई स्टेम हो गया, ठीक है, किसके द्वारा, ये बाई स्टेम हो गया, ओके। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं रूट की, रूट की हम बात करते हैं तो रूट में आपके आ जाते हैं डहेलिया, ठीक है, शकरकंद, ठीक है। रूट में जो आपके एग्जांपल होंगे तो वो डहेलिया का जो प्लांट है, ठीक है, क्या जो डहेलिया का प्लांट होता है वो रूट के द्वारा, ठीक है। शकरकंद का जो प्लांट होता है, ठीक है, शकरकंद का जो प्लांट होता है वो किसके द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है, यानी कि नेचुरल है, है ना, हम इसको हम नहीं कर सकते, बट ये नेचुरल तरीके से होगा। लीप की बात करते हैं तो लीप में हमेशा एग्जाम्पल रखना क्या, ब्रायोफिलम, ठीक है, जो ब्रायोफिलम की लीफ होती है, क्या बेटा, ब्रायोफिलम की जो लीफ है, तो ब्रायोफिलम में भी क्या होती है, कायिक जनन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा क्या होते हैं, बिग्नोनिया, ठीक है, बिग्नोनिया जो है, जो बिग्नोनिया का प्लांट होता है उनमें भी ये क्या होते हैं, लीप के द्वारा, ठीक है, लीप के द्वारा ही होता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारी कायिक जनन की नेचुरल विधि। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, किसकी बात करते हैं, आर्टिफिशियल विधि की, ठीक है, यानी कि कृत्रिम विधि की। तो हेडिंग क्या डालोगे, कृत्रिम विधि, ठीक है, कृत्रिम विधि। अब कृत्रिम विधि की बात करते हैं तो इनमें हालांकि बहुत सारे, है ना, कृत्रिम में मतलब हो जाएगा हम किसके द्वारा, मानव के द्वारा, है ना, कौन करेगा, स्पेशली कौन करेगा बेटा, मानव के द्वारा होगा, यानी कि हम मानव का उसमें हाथ होगा, ठीक है, हम मानव का उसमें हाथ होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो इनमें क्या क्या शामिल होता है, रोपड़, ठीक है, रोपड़ क्या है, कायिक जनन है। दाब कलम हो गया, सभी क्या है, दाब कलम क्या है, कायिक जनन है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, रोपड़ हो गया, दाब कलम हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ कलम लगाना, ठीक है, कलम लगाना, ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जो क्रिया हम करते हैं हम मानव करते हैं। अगर टोटल का एग्जांपल की बात करते हैं तो हम किस में देखते हैं, नींबू में हम देखते हैं, है ना, हम नींबू में, संतरा में, ठीक है, संतरा में, नींबू, संतरा और कलम, कमल हो गया, सॉरी गुलाब हो गया, ठीक है, गुलाब में हम कलम लगाते हैं, है ना। तो ये सभी इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को देख लिया। अब बेटा हम बात करते हैं जो मेन हमारा है वो क्या है, लैंगिक जनन की, ठीक है। अब मेन हम क्या देखेंगे, लैंगिक जनन, ठीक, ओके। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डालोगे लैंगिक जनन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म। अब हेडिंग हम डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बेटा लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में हमने क्या बोला, इसमें दो भिन्न जीवों की जरूरत है। लैंगिक जनन में क्या है, इसमें क्या है, दो भिन्न जीव चाहिए, दो भिन्न क्या, जीव चाहिए। अब वो दो जीव भिन्न है, जो दो भिन्न जीव हैं, उन दो भिन्न जीव में क्या है, एक नर है और एक
मादा है, ठीक है, एक नर है और एक क्या है, मादा है, ठीक है। ये जो नर है, ये नर क्या करेगी, नर युग्मक। ये जो नर है तो ये नर क्या करेगा, नर युग्मक बनाएगा। ये मादा है तो ये क्या बनाएगी, मादा युग्मक बनाएगी, ठीक है। नर है तो नर युग्मक, मादा है तो मादा युग्मक, ठीक है। ये दोनों क्या किए, अपने अपने गैमेट को बनाए, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। जब दोनों में, दोनों में संलयन हो जाएगा तो ये 2n वाली संरचना क्या, जायगोट का निर्माण होगा। 2n वाली संरचना किसका, जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज के बाद जब ये जायगोट बनेगा तो इस जायगोट से एक नई संतति का, ठीक है, क्या एक नई संतति का निर्माण हो जाएगा, क्या एक नई संतति का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स रिप्रोडक्शन, क्या सेक्स रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, ठीक। लैंगिक जनन खत्म, यानी कि लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव की आवश्यकता होती है। दो भिन्न जीव क्या है, एक नर है और एक मादा है। इन दोनों में आपस में संलयन होगा, संलयन का मतलब इसमें निषेचन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, निषेचन प्रेजेंट होगा तो इनमें नए भ्रूण का, एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक, क्लियर, इतनी बात क्लियर। देखो छोटी छोटी पॉइंट से आपका बेस क्लियर करेंगी आप चाहोगे तो, अगर ये छोटा छोटा बेस क्लियर है तो आप खुद से एक प्रॉपर अच्छा खासा नोट्स बना सकते हो, बट अगर अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, कुछ हमारी होती हैं जीवन चक्र की प्रवस्थाएं की बात करती है, ठीक है, हम कुछ फेजेज लाइफ इन फेजेज इन लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे शरीर में कितनी फेजेज आती हैं, कितनी अवस्थाएं आती हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, जीवन चक्र में अवस्थाएं, ठीक है, यानी क्या, जीवन चक्र में अवस्थाएं की बात करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालना, जीवन चक्र में जीवन चक्र में अवस्थाएं की बात करते हैं, यानी कि फेजेज इन, ठीक है, फेजेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है, फेजेज इन लाइफ साइकिल, ठीक है, फेजेज इन लाइफ साइकिल। देखो अगर हम बेटा फेजेज इन लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे जीवन काल में, है ना, हम मानव के जीवन की काल की बात करें तो हम मानव के जीवन काल में तीन अवस्थाएं आती हैं, है ना, तीन मुख्य अवस्थाएं आती हैं। हालांकि बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से तीन बहुत ज़्यादा मुख्य शामिल होती हैं। एक क्या होती है, किशोरा, क्या, किशोरा, किशोरा या कायिक अवस्था, कायिक अवस्था, किशोरा या कायिक अवस्था, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है प्रजनन अवस्था, मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है। तीसरी होती है जीर्ण अवस्था, क्या, जीर्ण अवस्था, या जिसको हम ये भी बोलेंगे जीर्यमान अवस्था, जीर्यमान अवस्था भी कहते हैं। देखो किशोरा अवस्था या कायिक अवस्था की बात करते हैं, ठीक है, किशोरा अवस्था और कायिक अवस्था की बात करें कि किशोरा अवस्था और कायिक अवस्था क्या है। देखो इनको बेटा हम, किशोरा को हम ये भी कह सकते हैं, अगर इनको इंग्लिश आप नाम लिखना चाहो तो, देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे मेच्योर या सेनेटाइल फेज हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव या तो फिर जुवेनाइल फेज हो जाएगा, ठीक। कायिक अवस्था या कायिक जनन की बात करते हैं, ठीक, देखो इनमें क्या है, अगर इसकी हम स्पेशली बात करें तो जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था से पहले का समय, क्या, जन्म से लेकर, कहाँ से, जन्म से लेकर, ठीक है बेटा, जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था की, प्रजनन अवस्था, तो जन्म से लेकर
प्रजनन अवस्था के, ठीक है, जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था से पहले का, ठीक है, प्रजनन अवस्था से पहले का, तो जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था से पहले का समय, पहले का समय जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा समय है ये कायिक अवस्था है या तो किशोरावस्था, यानी कि जन्म से लेकर कोई बच्चा जन्म लिया, ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, किशोरावस्था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनमें प्रजनन अवस्था नहीं स्टार्ट हुआ है, तो प्रजनन अवस्था से पहले का, या तो हम इतना कह सकते हैं कि एक से लेके 12-13-14 साल का जो एज होगा वो हमारे कायिक अवस्था या किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। प्रजनन अवस्था की बात करते हैं तो प्रजनन अवस्था में क्या होगी बेटा, जिनमें हमें हमारे बॉडी में क्या जनन क्षमता विकसित, बॉडी में क्या हो जाएंगी जनन क्षमता क्या हो जाएंगी विकसित हो जाएंगी, ठीक है, जनन क्षमता क्या हो जाएंगी यहाँ पे विकसित हो जाएंगी, और जनन क्षमता जब विकसित हो जाएंगी तो यहाँ पे युग्मक जनन है ना, गैमेटोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाएंगे, और गैमेटोजेनेसिस हो जाएंगे तो जीव है ना, जीव से एक जीव से नई संतति का निर्माण भी हो जाएगा, एक जीव है तो जीव से नई संतति का यहाँ पे निर्माण भी हो जाएगा। यानी वापस से सुनना, प्रजनन अवस्था में क्या होगा, हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज यानी नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र ये सारे विकसित हो जाएंगे, अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो कहलाती है हमारी प्रजनन अवस्था। जीर्णावस्था की बात करते हैं तो जीर्णावस्था में हमारा क्या हो जाएगा, जो उपापचयी विकार हो जाना है ना, उपापचयी जो हमारा उपापचय जो होता है वो ठीक ठाक से काम न कर पाना है ना, हमारी जो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे जो प्रजनन क्षमता है, ठीक है, धीरे धीरे जो हमारी प्रजनन क्षमता है वो क्या हो जाना, समाप्त हो जाना है ना, समाप्त हो जाना, यानी कि जो वृद्धावस्था आती है तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, जीर्णावस्था या जीर्णमान अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हमारी होती है जीवन चक्र में प्रवस्था, यानी कि फेजेज इन लाइफ साइकिल, ठीक, तो किशोरा या कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णमान अवस्था, ठीक है, ठीक। चलो इसी चीज को देखते हैं, प्लांट और मानव में समझते हैं। देखो यहाँ पे एक मानव है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लांट का है, आपको क्या दिख रहा है, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे जो प्लांट है ना, पहले धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं, ग्रोथ इनकी क्या हो रही है, धीरे धीरे इसमें लीफ आ रहे हैं, लीफ होने के बाद इसमें प्रजनन अवस्था यानी कि इसमें क्या लग जाएंगे, इसमें क्या क्या लगेगा, ये जो अवस्था आएंगी इनमें क्या क्या लगेगा, ये विकसित होंगे, इसमें फ्लावर्स आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे, फ्लावर से फिर क्या लग जाएंगे, फ्रूट लग जाएंगे, है ना, ये काफ़ी समय तक हमें फल और फ्रूट देगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा जो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मानव है, मानव दुनिया में जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, नई नई संतति का निर्माण करता है, फिर धीरे धीरे इसके क्या हो जाती है, वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था के बाद इनकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये लगभग आपका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, ठीक है, कायिक जनन, कायिक प्रवस्था और सॉरी किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था के, ठीक, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ बेटा हम प्रजनन अवस्था की अगर हम बात करें, स्पेशली हम बात करें प्रजनन अवस्था में, तो पादप की देखें, इसी तरह अगर हम प्रजनन अवस्था में किसकी देखें, हम पादप की देखें, तो जो पादप होते हैं वो अपने जीवन चक्र के हिसाब से, लाइफ स्पिन के हिसाब से बेटा, ये हमें टू टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं, कितने, टू टाइप्स के, टू टाइप्स कौन कौन से, एक तो होते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है, एक क्या होते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है, पॉलीकार्पिक क्या, पादप, ठीक है, एक क्या होते हैं पॉलीकार्पिक पादप, ठीक है, दूसरा क्या होते हैं मोनोकार्पिक पादप, क्या, मोनोकार्पिक पादप, एक होते हैं पॉलीकार्पिक पादप, दूसरा होते हैं मोनोकार्पिक पादप, किसके हिसाब से देखें हम, अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज के हिसाब से देखें, रिप्रोडक्टिव फेज के हिसाब से देखें बेटा, अगर हम प्लांट में देखें तो ये प्लांट में टू टाइप्स के होते हैं, एक मोनोकार्पिक पादप और एक पॉलीकार्पिक पादप। हम मोनोकार्पिक पादप की बात करते हैं कि ये कैसे पादप है,
ठीक है, अगर हम मोनोकार्पिक की बात करते हैं, देखो अगर हम मोनोकार्पिक की बात करेंगे तो इनमें हम क्या नोट करेंगे, ऐसे पादप, ठीक है, ऐसे पादप, ठीक है, ऐसे पौधे, या क्या, ऐसे पादप, ठीक है, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, ठीक है, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार, एक बार पुष्प, पुष्प व फल देते हैं, पुष्प व फल देते हैं, ऐसे पादप को, ऐसे पादप को, ठीक है, ऐसे पादप को क्या, मोनोकार्पिक, ठीक है, ऐसे पादप को क्या बोलते हैं, मोनो, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, ठीक है, ऐसे पादप को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे होंगे जो अपने पूरे जीवन काल में, है ना, उनके जितनी भी जीवन काल है उस पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उसमें फल लगेगा, फ्रूट, फूल लगेगा, और एक ही बार उसमें फ्रूट लगेंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही पादप को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो बेटा इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, धान हो जाएगा, है ना, धान हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ठीक है, तो और भी ऐसे, है ना, चना हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, तो ये ऐसे पौधे हैं जो अपने पूरे जीवन काल के, अगर इनकी बात करें तो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इसमें फूल लगेंगे और एक बार ये फल देंगे और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। यानी बेटा हम क्या करते हैं, हम गेहूं की खेती करते हैं, हम क्या करते हैं, माना बात हमने क्या किया अपने खेत में, है ना, हमने अपने खेत में क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, ठीक है, अब हमने जब अपने खेत में क्या लगाया, गेहूं लगाया, तो इस गेहूं में क्या लगेंगे, इस गेहूं में क्या लगेंगे, ये फ्लावर आएंगे, जब फ्लावर आएंगे तो इसी फ्लावर के बाद इसमें क्या लग जाते हैं, इसमें क्या लग जाते हैं, सीड लग जाते हैं, ठीक है, इस गेहूं में क्या लग जाते हैं, सीड लग जाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, और उसके बाद इनकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के पौधे जो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते, सॉरी मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है पॉलीकार्पिक पादप, ठीक है, तो बेटा ये आप यहीं पे समझ लो पॉलीकार्पिक को, इनमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन भर, है ना, ऐसे पादप जो हमें अपने पूरे जीवन भर में बार बार हमें फ्रूट और फल देते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हमने अगर एक बार उसको लगा दिया, है ना, एक बार हमने लगा दिया तो ऐसा नहीं कि वो एक बार उसमें फ्रूट लग जाएंगे, एक बार उसमें फल लग जाएंगे, फिर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। पॉलीकार्पिक पादप की बात करेंगे तो हमेशा इसमें आप एग्जाम्पल में याद रखना, क्या हमेशा याद रखना बेटा, आम हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं ना कि हमने आम का पौधा एक बार लगाया और एक बार ही हमने इसको फ्रूट फट, इसकी कहानी खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता। हमने क्या लगाया, अमरूद लगाया, है ना, जगह जगह अमरूद के बगीचे होते हैं, अमरूद की खेती लोग करते हैं, तो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होता कि हमने एक बार अमरूद लगाया और उसकी कहानी खत्म होगी, ठीक है। इसी तरह अनार का पौधा हम लगाते हैं, ठीक है, अनार का पौधा हम लगाते हैं तो अनार भी हमें बहुत सारे बार उसमें फ्रूट, फल और फ्रूट देते हैं और एक बार उनकी भाई जब वृद्धा आ जाती है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल और फ्रूट देंगे उनको मोनोकार्पिक, और ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में यानी कि बार बार देंगे, कई बार हमें देंगे, उनको हम पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। तो सेम आप यहीं पर लिख सकते हो, कोई भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दोगे, ठीक है, चलो क्लियर, समझ में आ रहा है। तो मेरे साथ आपको नोट करते हुए चलना है, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, नहीं, आपको नोट करते हुए चलने हैं,
ठीक है, क्लियर। अब बेटा हम बात करेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैंगिक जनन की घटनाएं कि कौन कौन सी हमारी जो इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट्स इन सेक्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो तो अब हेडिंग आप डालोगे मेरे साथ, लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या डालोगे, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालो लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि इवेंट्स इन सेक्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या इवेंट्स इन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इवेंट्स इन सेक्स रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन की घटनाओं की बेटा हम बात करते हैं। अब अगर हम लैंगिक जनन की घटनाओं की बात करें कि कौन कौन से लैंगिक जनन की घटनाएं हैं या कौन कौन से लैंगिक जनन की घटनाओं में शामिल होते हैं। देखो, अब अगर हम लैंगिक जनन की घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे तीन घटनाएं शामिल हैं। कितनी घटनाएं शामिल हैं, तीन घटनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी, पहली है जिसको हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, या निषेचन पूर्व घटना, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पहला है निषेचन, निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटना या घटनाएं, ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं प्री, ठीक है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, ओके। दूसरा होता है निषेचन, दूसरा क्या होता है निषेचन, निषेचन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन को फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बेटा जो थर्ड आती है, वो थर्ड जो घटना आती है उसको हम कहते हैं निषेचन पश्च घटना। क्या निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन इवेंट, ठीक है, क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक। तो ये है लैंगिक जनन की हम घटनाओं की बात करते हैं, तो जो लैंगिक जनन की तीन घटनाएं शामिल हैं, कितने लैंगिक जनन की तीन घटनाएं शामिल है, एक है निषेचन पूर्व घटना, एक है निषेचन, और थर्ड है निषेचन पश्च घटना, ठीक है। चलो अब हम निषेचन पूर्व घटनाएं की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटना की। अब अगर हम निषेचन पूर्व घटना की बात करें, इनके अंतर्गत हमें दो चीजें हम देखते हैं, इनके अंतर्गत हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती है, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या देखने के लिए मिलती है। देखो इनके अंदर हम दो चीज देखते हैं, पहला हम देखते हैं युग्मक जनन, ठीक, पहला हम क्या देखते हैं, युग्मक जनन, यानी गैमेटो, गैमेटो जिनेसिस, गैमेटो जिनेसिस। दूसरा हम जो देखते हैं वो क्या है, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, यानी गैमेट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो गैमेट, गैमेट ट्रांसफर, क्या गैमेट ट्रांसफर,
निषेचन की अगर हम बात करें, निषेचन पूर्व घटना की, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होती है युग्मक जनन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण, जिसको हम गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। युग्मक जनन की बात करते हैं बेटा, तो युग्मक निर्माण की क्रिया, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम निषेचन की बात करते हैं, निषेचन हम स्पेशली पढ़ेंगे। इसके बाद हम निषेचन पूर्व घटना में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अब अगर हम निषेचन पूर्व घटना की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, निषेचन के बाद इनमें शामिल है युग्मनज। क्या शामिल है? युग्मनज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जायगोट, ठीक है, क्या, जायगोट, ठीक है। जायगोट के बाद क्या बनेगा बेटा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। और ये जो भ्रूण यानी कि ये जो इम्ब्रियो है, इस इम्ब्रियो का जब पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो जाएगा तो ये इम्ब्रियो एक नई संतति का, क्या, एक नई संतति का निर्माण करेगा। ये जो इम्ब्रियो करेगी एक नई संतति का यहाँ पे निर्माण कर देगी, क्या करेगी, एक नई संतति का निर्माण करेगी, ठीक है। तो लैंगिक जनन की तीन घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक जनन की, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले बेटा हम हेडिंग डालेंगे क्या, युग्मक जनन, युग्मक जनन। देखो, युग्मक जनन की बात करें तो युग्मक निर्माण की क्रिया, ठीक है। अगर हम युग्मक जनन की बात करें बेटा तो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होगी, ठीक है, यहां पे हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या लिखोगे, युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मक निर्माण की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। अब ये जो युग्मक होगा, ठीक है, ये युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है दोनों में होती है, दोनों में किसके, पादप में होती है, ठीक है, और यहाँ पे जंतु में भी होती है, ठीक है। किसमें होती है, पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है। पादप में अगर बात करें तो पादप में कहाँ, पुष्प में, ठीक है, पुष्प में, पुष्प में कहाँ, ठीक है, पुष्प में कहाँ, पराग कोश में, ठीक है, कहाँ पे बेटा, पराग कोश में, ठीक है, और साथ साथ कहाँ पे, स्त्री केसर में, पराग कोश में और स्त्री केसर में, जो हम लोग आगे के चैप्टर में भी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जंतु की बात करते हैं तो जंतु में स्पेशली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में किस में, ह्यूमन में अगर मेल का बात करते हैं तो उसमें वृषण में होगी, ठीक है, वृषण में होगी। और फीमेल की बात करते हैं तो किस में होगी, अंडाशय में होगी, ठीक है। मेल अगर हम देखेंगे तो वृषण में और फीमेल अगर हम बात करें तो अंडाशय में। तो युग्मक जनन यानी युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। वो मेल यानी जंतु में होगी, पादप में होगी। तो पादप में जो पुष्प होते हैं, मेल पुष्प, फीमेल पुष्प यानी कि परागकोश और स्त्री केसर के अंदर, और उसके बाद जंतु की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे हम मानव की बात करते हैं, अदर और जंतु की बात करते हैं तो अंडाशय और वृषण में होते हैं, ठीक। कहाँ पे, उसके अंडाशय में और उसके वृषण में, ये दोनों क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती है। अब अगर हम युग्मक जनन की बात करें, युग्मकों के प्रकार की बात करते हैं, है ना, अगर हम गैमेट की बात करते हैं बेटा तो गैमेट भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आप क्या डालोगे, युग्मक के प्रकार, तो बेटा अगर हम ऐसे नेचुरल तरीके से देखें तो जो हमारे युग्मक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के, कौन कौन से, एक है समयुग्मकी, क्या, एक है समयुग्मकी, ठीक है, जिसको आइसोगैमेट्स
ठीक है, क्या कहते हैं, आइसोगैमेट कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। एक है समयुग्मकी, दूसरे को हम कहते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेट्स, क्या, हेट्रोगैमेट्स। ठीक, अगर हम युग्मक देखें तो युग्मक भी हमारे दो प्रकार के, एक होता है समयुग्मकी, दूसरा होता है विषम युग्मकी। समयुग्मकी को हम आइसोगैमेट कहते हैं, विषम युग्मकी को हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, समयुग्मकी में अगर स्पेशली हम बात करें, अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, समयुग्मकी में, तो देखो समयुग्मकी में ये जो नर है, ठीक है, वो क्या है, और ये जो मादा है, ये जो नर और मादा, ठीक है, ये जो नर और मादा, ये दोनों क्या होती हैं, आकार में, ठीक है, आकार में ये समान होती हैं। आकार में क्या होंगी, ये समान होंगी, ठीक है, इनमें नर और मादा जो दोनों होंगी, दोनों आकार में समान होंगी। ठीक है, यानी नर और मादा दोनों क्या होंगे, आपस में, चाहे उनका आकृति, साइज, इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के समान होंगी, यानी कि भिन्न नहीं होंगी। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक, इनमें एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे हम सवाल की बात करें, किसकी, सवाल की, तो सवाल में क्या आते हैं, क्लेडोफोरा। ठीक है, सवाल में क्या, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, सवाल में क्या, क्लेडोफोरा। तो सवाल में अगर हम क्लेडोफोरा को देखेंगे, आपके एनसाटी में डायग्राम दिया है, इनमें ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों समान होते हैं, है ना, इसमें चाहे मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये समान आकृति के होंगे, है ना, उसमें हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है ना, उनके आकार में, आकृति में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी, उसको हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी। तो एग्जांपल सवाल में क्या हो जाता है, क्लेडोफोरा, इसके साथ साथ इसी में यूलोथ्रिक्ष आ जाता है। ठीक है, क्या, यूलोथ्रिक्ष, यूलोथ्रिक्ष भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्ष भी आप इसका एग्जाम्पल याद रखना, है ना, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डायग्राम नहीं है, यहाँ पे बस आपके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखने, ठीक है, यूलोथ्रिक्ष हो गया। यूलोथ्रिक्ष के साथ साथ बेटा हम अगर फंजाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, कि कवक में एग्जाम्पल क्या होगा, तो कवक में हमेशा याद रखना राइजोपस। ठीक है, कवक में आप हमेशा याद रखना क्या, राइजोपस। राइजोपस में अगर आप मेल को देखोगे और फीमेल को देखोगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं, है ना, मेल आपका कुछ ही आकृति का होगा और जो फीमेल होगा कुछ, फीमेल जो होगी, सॉरी एक मिनट, ये जो आपकी फीमेल होगी, फीमेल जो होगी वो कुछ इस आकृति की होती है। ठीक है, फीमेल हमारी इस आकृति की होती है, जैसे एग होता है हमारा ना, अंडाणु होता है, उस तरीके से। और फीमेल की अगर मेल की बात करते हैं तो मेल देखो इस आकृति के, है ना, इस आकृति के इनके मेल होते हैं। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, कि हमारे हेट्रोजाइगस के हैं, ओके सॉरी। ठीक है, तो राइजोपस में मेल और फीमेल दोनों भी हमें समान देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो कवक में हमेशा याद रखना राइजोपस, सवाल में हमेशा याद रखना क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, इतना एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, ट्वेल्थ लेवल के लिए इतना एग्जाम्पल बहुत है। ठीक, बात हम करते हैं हम किसकी, विषम युग्मकी की। किसकी हम बात करते हैं, विषम युग्मकी की, यानी कि हेट्रोजाइगस की। ठीक, क्या हेडिंग क्या डालोगे, हेट्रोगैमेट्स, क्या, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, विषम युग्मकी यानी कि हेट्रोगैमेट्स। देखो अब अगर हम हेट्रोगैमेट्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, नर एवं मादा भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इनमें अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो नर होगी, ठीक है, नर एवं मादा, ठीक है, नर एवं मादा, ये जो दोनों होंगी भिन्न भिन्न,
तो नर एवं मादा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। नर एवं मादा दोनों क्या होंगी, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में हमेशा याद रखना सवाल है ना, हर एक चीज में, चाहे सवाल हो चाहे एल्गी हो, इन सभी में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल में, सवाल में आप क्या याद रखोगे बेटा, फ्यूकस कैरा, ठीक है। सवाल में क्या होते हैं आपके जो फ्यूकस हो गए, ठीक है, सवाल में फ्यूकस, फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस। इसके साथ साथ बेटा कारा, ठीक है, कारा, ये सभी, इनमें आपके मेल फीमेल दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, मेल आपको अलग दिखाई देगा, फीमेल अलग दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि नर और मादा की जो संरचना में जो बनावट होगी, उन दोनों की संरचना में जो बनावट होगी वो आपको चेंज दिखेगी, है ना, एक जैसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हम किसकी बात करते हैं, इसी तरह जितनी भी है ना, इनमें सवाल के साथ साथ जितने भी क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गया, इनमें भी हमें इसी तरीके का दिखता है। टेरिडोफाइट्स हो गया, टेरिडो, ठीक है, जितने भी क्या है, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो टेरिडोफाइट्स में भी हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। टेरिडोफाइट के साथ साथ अनावृत बीजी, ठीक है, क्या है, अनावृत बीजी जो है, अनावृत बीजी में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो आवृत बीजी है, क्या है, जो आवृत बीजी है, आवृत बीजी में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। तो ब्रायोफाइट, सवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इन सभी में हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल मानव की लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, जंतु में, और जंतु में किसकी हम स्पेशली किसकी बात करें, मानव की बात करें, मानव की बात करें, ठीक है, स्पेशली किसकी हम मानव की बात करें, कि मानव में ये गैमेट्स, सच में ये हेट्रोगैमेट्स होते हैं या नहीं होते, है ना, सच में इनमें चेंजिंग होती है या ये नहीं होती है, ठीक है। देखो अब अगर हम हेट्रोगैमेट्स की बात करें, तो ये तो एक होती है, ठीक है, ये अंदर की संरचना होती है, अंदर के साथ साथ यहाँ पे एक पीला पीला सेक होता है, पीला के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन जैसी संरचना होती है ना, ग्रीन, ग्रीन के बाद बेटा यहाँ पे ढेर सारे, है ना, ढेर सारे क्या होती हैं, जोना पैलेसोडा की लेयर होती है, क्या होती है, जोना पैलेसोडा की इस तरीके से लेयर होती है, ठीक है। और यही अगर हम स्पर्म की बात करें, है ना, शुक्राणु की बात करते हैं, तो शुक्राणु जो होते हैं कुछ इस तरीके की इनकी संरचना होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके के ये यानी चेंज होते हैं ना, आप एक जैसा आप इनको नहीं देख सकते, ठीक है। तो जंतु में क्या होगा, अलग अलग, यानी कि अंडाणु की संरचना अलग होगी और शुक्राणु की संरचना अलग होगी, ठीक है। जैसे कि ये क्या होती है, स्पर्म के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, मेल क्या है, फीमेल की संरचना क्या है, भिन्न है, ठीक है। अगर हम फीमेल की संरचना की बात करते हैं तो वो भिन्न होते हैं, और ये क्या है बेटा, मानव का क्या है, स्पर्म है, ठीक है, ये मानव का क्या है, स्पर्म है, ठीक। अब ये स्पर्म है, ठीक, यानी कि शुक्राणु, ठीक। अब इसकी संरचना आपको क्या दिख रही है, चेंज दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हेड है, फिर ये मध्य भाग है, और फिर ये टेल जैसी संरचना होती है, ठीक है, कैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों चेंज होते हैं, तो ये युग्मक के आकार पे होता है। तो युग्मक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, ठीक है, यानी कि आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, क्या, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं जीवों में लैंगिकता की, ठीक है, जीवों में लैंगिकता, लैंगिकता का मतलब बेटा होता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, कि अगर हम लैंगिकता के आधार पे हम देखते हैं तो जो जीव है वो किस तरीके से, यानी कि आपके यूनिसेक्सुअल हैं या बाईसेक्सुअल हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपके सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब हेडिंग आप डालोगे जीवों में लैंगिकता, ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालोगे जीवों में लैंगिकता, ठीक है, चलो, जीवों में लैंगिकता,
ठीक है, जीवों में लैंगिकता, यानी कि क्या हम बोलेंगे इसको, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, क्या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, क्या लिखोगे? ठीक है, क्या सेक्सुअलिटी, ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक। चलो, अब जीवों में अगर हम लैंगिकता की आधार की बात करें, या लैंगिकता के आधार पे हम देखें, ठीक है, इनके हम लैंगिकता के आधार पे देखें, तो हमें दो तरीके के जीव नजर आते हैं, ठीक है। अगर हम लैंगिकता के आधार पे देखेंगे, तो हम टू टाइप्स के जीव को देखते हैं। कितने टाइप्स के जीव को हम देखते हैं? दो प्रकार के जीव को। एक जो जीव है वो क्या? एक लिंगी जीव। क्या? एक लिंगी। क्या? एक लिंगी। क्या देखते हैं? एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। क्या? यूनि यूनि सेक्सुअल, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं? द्विलिंगी, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं? द्विलिंगी, ठीक है। क्या देखते हैं बेटा? द्विलिंगी देखते हैं। तो दूसरा क्या लिखोगे? द्विलिंगी। ये किसके? अगर हम लैंगिकता के आधार पे देखें, है ना, लैंगिकता का मतलब यहाँ पे ऑर्गन के आधार पे देखें कि मेल फीमेल कैसे अलग अलग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, ठीक है। एक लिंगी, द्विलिंगी। अगर हम एक स्पेशली जीव की बात करते हैं, उसके लैंगिकता के आधार पे, तो लैंगिकता के आधार पे अगर हम बात करेंगे, तो हमें टू टाइप्स के जीव नजर आते हैं, एक एक लिंगी जीव और दूसरा द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव की बात करते हैं, तो एक लिंगी अलग अलग बॉडी पर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लिंगी की बात करते हैं, तो इनमें आप क्या देखोगे? अलग अलग शरीर पे, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा? अलग अलग शरीर पे। क्या? अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग शरीर पे, अलग अलग शरीर पर, ठीक है, शरीर पर नर व मादा, ठीक है, अलग अलग शरीर पे नर व मादा क्या होते हैं? नर व मादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग शरीर पे नर व मादा उपस्थित होते हैं, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शरीर पे क्या लिखोगे? अलग अलग, अलग अलग बॉडी पर या शरीर पे, बॉडी पर सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ठीक है, लिंग, जो लिंग ऑर्गन, लिंग अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे ये? अलग अलग जब बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? एकलिंगता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इनमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा? काकरोच, है ना, आपने काकरोच देखा होगा, काकरोच देखा होगा आपने भी 11th की क्लास में, काकरोच के बारे में आप पढ़ के आए होगे, है ना, कॉकरोच जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा, ठीक है, काकरोच को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तिलचट्टा। तो काकरोच हो गया। इस काकरोच में, है ना, काकरोच में हम जब देखते हैं कि जो काकरोच काकरोच है, तो इस काकरोच में जो मेल की बॉडी है, ठीक है, जो मेल है, ठीक है, इनमें जो मेल है वो अलग है, ठीक है, तो इनमें जो मेल होगी वो अलग बॉडी पे होगी, और जो फीमेल होगी वो अलग बॉडी पे, यानी कि नर जनन तंत्र अलग पे, मादा जनन तंत्र अलग पे। इसी तरीके से किसमें? मानव में, है ना, किसमें हम देखते हैं? मानव में भी देखते हैं। मानव में हम क्या देखते हैं कि मानव में जो नर है, मानव में जो नर जनन तंत्र है वो किसमें है? एक मेल में है, और जो फीमेल जनन जनन तंत्र है वो किसमें है? मादा में।
तो नर जनन तंत्र अलग अलग है, मादा जनन तंत्र अलग है। तो ये एक लिंगी जो कहलाते हैं, ये इनके अगर हम लैंगिकता के आधार पे देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पपीता में है ना, पपीता खाते हो ना, तो पपीता में भी आप देखते हो कि पपीता में जो मेल प्लांट होते हैं वो अलग होते हैं, फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग होते हैं। हाँ, पपीता में जो फ्रूट लगते हैं वो निषेचन के दौरान भी लगते हैं और बिना निषेचन के भी लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा खजूर होता है ना, खजूर आप खाते हो, तो खजूर में भी मेल अलग है ना, खजूर में भी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, तो ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करें, अगर हम देखते हैं द्विलिंगी की, तो द्विलिंगी में क्या होगा, एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। क्या, एक ही बॉडी पर, ठीक है, एक ही शरीर पर मेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, मेल और जो फीमेल है ये दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे पपीता और सॉरी केचुआ हो गया है ना, एग्जाम्पल केचुआ, केचुआ में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि केचुआ में मेल जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ बेटा कुकुरबिट में, कुकुरबिट्स, ठीक है, कुकुरबिट्स के जितने भी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे, दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वे हैं जिनमें अलग अलग बॉडी पे मेल अलग पे, फीमेल अलग पे, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी, ठीक है, प्राणी या एक लिंगी जीव। बाइसेक्सुअल वे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। एग्जांपल केचुआ हो गया, कुकुरबिट्स फैमिली के आल प्लांट्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये लगभग हम जो हमारी निषेचन पूर्व घटना है, ये निषेचन पूर्व इतनी घटनाएं होती है, ठीक है। अब जब हमें सारी चीजें नॉलेज होगी, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। अब अगली हेडिंग हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन को, तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही लग रहा है कि भाई क्या ही हो रहा है ना, क्या ही बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे भी इजी लैंग्वेज में आपको कुछ और भी दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैंने हैंड रिटोन है ना, हैंड रिटन, ये भी नहीं कि मैंने आपको पीपीटी से पढ़ा दिया, पीपीटी से मैंने आपको आया पढ़ा के मैं चली गई, आपको नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं लिख के पढ़ा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ लिखना है। अगर आप ऐसे ही सुनोगे तो हाँ टॉपिक क्लियर होगी, नो डाउट, बट वो कुछ टाइम बाद भूल जाएगी, लेकिन मेरे साथ अगर आप लिखते रहोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि एक ही क्लास में, आज एक बार में ही ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। बाकी थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो आप रिवीजन कर लोगे, आपके एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा निषेचन की, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। देखते हैं भाई निषेचन क्या होता है ना, हमने गैमेट्स भी बना लिया और गैमेट के ट्रांसफर की बेटा मैंने एक प्रोसेस छोड़ दी है, चलो है ना, ये हमने चीजें देख ली। हाँ, गैमेट ट्रांसफर में इसको हम स्किप करते हैं, पहले गैमेट ट्रांसफर को देखते हैं। देखो गैमेट ट्रांसफर में हमारे पास दो चीजें होती है, ठीक है, जो हमारा क्या है, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, देखो गैमेट ट्रांसफर की बेटा अगर हम बात करें तो इनमें हम दो चीजों को देखते हैं, क्या क्या, देखो अगर हम स्पेशली बेटा किसकी बात करते हैं, हम पादप की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं? पादप की बात करते हैं। तो पादप में क्या होता है, कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? पुष्पों में। पादप की कहाँ? पुष्पों में। ठीक है, प्लांट की कहाँ पे? पुष्पों में। क्लियर? पुष्पों में किसके माध्यम से? पुष्पों में बच्चे परागण के माध्यम से, परागण विधि द्वारा, यानी कि पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन के विधि के द्वारा ये क्रिया होती है। कैसे? देखो, इनमें एक ये स्त्री केसर पार्ट है, ठीक है, इसी स्त्री केसर पे ये इनका मेल पार्ट है, ठीक है, क्लियर बेटा? अब देखो, इनमें इनके बनेंगे गैमेट, ठीक है, क्या बना इसमें इनका? गैमेट। अब ये जो गैमेट होंगे, ये जो गैमेट होंगे कहाँ? यहीं से होते हुए ये कहाँ पहुँचाएंगे? इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे। तो ये जो माध्यम होगा, इनमें हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती है। दो चीज़ें क्या? एक हम देखते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि परपरागण और स्वपरागण, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों भी पॉलिनेशन हो, इसमें क्या होगा कि ये जो परागकण होंगे ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो होते हैं प्लांट में। ये जो विधि होती है, ये विधि हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? प्लांट में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसमें बात करें, मानव में बात करते हैं, मानव में बेटा हम बात करते हैं, तो मानव में आपको पता है एग जो है, ये एग है, ये कैसे है? नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब इनके पास कोई हाथ पांव सीलिया फ्लैजला वगैरह नहीं है, है ना? ना तो इनके पास कोई सीलिया है, ना तो इनके पास कोई फ्लैजला है, ना इनके पास और कोई ऐसे ऑर्गन है कि ये दौड़ते 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 भागते भागते जाए, कहाँ जाए? शुक्राणु से वो फ्यूज हो जाए, ऐसा इनके पास नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो गैमेट हमारे पास है वो क्या है? ये स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म कैसे? सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से, है ना, या मैथुन क्रिया के द्वारा, ठीक है, वजाइना के थ्रू, ठीक है, मेल का जो सीसन है, मेल के सीसन के थ्रू ये वजाइना, वजाइना में योनि में छोड़े जाते हैं, और ये मूमेंट है, यानी कि मोटाइल है, इनके पास टेल है, तो ये गति करके ये एक के साथ ये फ्यूज हो जाते हैं, यानी एक के पास वो दौड़ते 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 यानी भागते भागते वो चले जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का माध्यम बनता है, यानी कि मैथुन क्रिया होती है, ठीक। तो ये गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि युग्मक स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। हो गया युग्मक स्थानांतरण, यानी कि ये जो एग है, ये स्पर्म है, ये ओवम के पास गया। अब ये क्या करेगा यहाँ पे भाई? जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ पे होगी निषेचन की क्रिया, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो, अब हेडिंग क्या डालोगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि हम निषेचन की बात करते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन या हम निषेचन की बात करते हैं तो इनमें होता क्या है, ठीक है। देखो, इनमें आप लिखोगे नर तथा मादा, क्या? नर तथा मादा, ठीक है, किसका? नर तथा मादा युग्मक के, ठीक है, नर तथा मादा युग्मक के, युग्मक के संयोजन की क्रिया को, संयोजन की क्रिया को, संयोजन की क्रिया को, नर तथा मादा युग्मक की संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर तथा मादा युग्मक में संयोजन की जो क्रिया होगी, उस संयोजन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे देखो,
ये हमारे पास क्या है? नरयुग्मक है, ठीक है बेटा। ये नरयुग्मक कैसे हैं? एन यानी कि अगुणित हैं। बच्चा हमारे पास क्या? मादा युग्मक। तो ये मैथुन क्रिया के दौरान, ठीक है, मादा युग्मक है ना। अगर पादप है तो पॉलिनेशन यानी परागण के द्वारा, पादप है तो परागण के द्वारा, अगर जंतु हैं तो मैथुन क्रिया के दौरान, ठीक है। ये भी यन है। ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में एक टू यन वाली संरचना में चेंज हो जाएंगे। कैसी संरचना? एक टू यन वाली संरचना में ये बदल जाते हैं। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? जाइगोट, जाइगोट, या इसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलोगे इसको? हम बोलेंगे युग्मनज, ठीक है। तो नर तथा मादा युग्मक की संयोजन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्लियर बात? अब यहाँ पे नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, दोनों एनयन थे, ये दोनों आपस में संलयित हुए, टू यन वाली संरचना यानी कि जायगोट वाली संरचना का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज कहते हैं। अब अगर हम निषेचन के आधार पे देखें, है ना, अगर हम निषेचन के आधार पे देखें तो ये जो निषेचन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम किसके आधार पे देखें? निषेचन के आधार पे देखें तो हेडिंग क्या डालोगे? निषेचन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के अगर हम प्रकार की बात करें तो हम दो तरीके के स्पेशली निषेचन को देखते हैं। हम दो तरीके के निषेचन को हम देखते हैं। पहला हम क्या देखते हैं? आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। पहला क्या देखते हैं? आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा समझ लेना ऐप से फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम निषेचन के आधार पे देखें तो स्पेशली जो निषेचन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अब अगर हम आंतरिक निषेचन की बात करते हैं, किसकी बात करें हम? आंतरिक निषेचन की। तो जब देखो, जब निषेचन की क्रिया, ठीक है, जब ये निषेचन की क्रिया, ठीक है, देखो जब क्या होगी, जब निषेचन क्रिया निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, मादा शरीर के अंदर होती है, ठीक है, अंदर होती है, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, क्या पुष्पी पादप, जितने भी पुष्पी पादप हैं इन सभी में क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। इसके साथ साथ क्या मानव, ठीक है, मानव में भी क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और भी जैसे गाय भैंस कुत्ता, है ना, गाय भैंस कुत्ता बकरी, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर हो, मादा के बॉडी में हो, भीतर हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब निषेचन क्रिया, इसमें क्या लिखोगे? जब निषेचन की जो क्रिया है, ठीक है, जब वो
निषेचन क्रिया, जब वो निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर हो, मादा शरीर के क्या हो, बाहर हो, तो इस प्रकार के निषेचन को, तो इस प्रकार के निषेचन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल हमेशा इसमें याद रखना, मेढक में ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है ना, मेढक, ठीक है, मेढक हो गया, मछली में भी हम ये देखते हैं, ठीक है, मेढक हो गया, मछली हो गया। तो जब निषेचन क्रिया क्या होती है, मादा शरीर के बाहर हो, ठीक है, मादा शरीर के बाहर, यानी कि हम ये कह सकते हैं उसके लिए माध्यम क्या बन सकता है, इसके लिए बेटा माध्यम जो बनेगा वो क्या, जल बनेगा, यानी वाटर बनेगा, यानी कि पानी में हो, है ना, कहाँ पे हो, पानी में हो, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि ये वाटर में ही क्या करेंगे, अनुकूल परिस्थिति में अपने अपने गैमेट को छोड़ देंगे, मेल है तो मेल गैमेट को, फीमेल है तो फीमेल गैमेट को, ये दोनों अपने अपने गैमेट को छोड़ देंगे, उसे में जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, है ना, फिर उसके बाद उसका परिवर्धन होगा और फिर एक नए मेढक का, एक नए मछली का, या और भी जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंतर्गत एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, उनमें एक नए शिशु का निर्माण होगा। बट यहाँ पे आंतरिक निषेचन में ऐसा कुछ नहीं होता, कि मादा शरीर के बाहर होगा और इनमें दो लोगों की जरूरत है, यानी कि इसमें कोई वाटर की जरूरत नहीं, इसमें दो भिन्न जीव की, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, ठीक, ठीक है, चलो। अब इसी में एक प्रोसेस और आती है जिसको हम कहते हैं अनिषेक जनन, ठीक है, ये निषेचन के ही प्रोसेस के अंतर्गत आता है। वो क्या आता है बेटा, अनिषेक जनन, ठीक है, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक, पीछे अभी हमने अनिषेक जनन के बारे में देखा भी है, अनिषेक जनन। तो अगर बेटा हम अनिषेक जनन की बात करते, पार्थिनोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, तो अनिषेक जनन की अगर हम बात करें तो बिना निषेचन के, ठीक है, क्या होगा इनमें, बिना निषेचन क्रिया के नई संतति का, ठीक है, बिना निषेचन क्रिया के, बिना ही युग्मक संलयन के क्रिया के नई संतति का निर्माण होना। तो ये किसके अंतर्गत शामिल है, ये अनिषेक जनन के अंतर्गत शामिल है। ये किसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलेगा, अनिषेक जनन, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम पादप की बात करें, अगर हम किसी पादप की बात करते हैं, है ना, प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में क्या केला, हम केला में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो केला का प्लांट होता है उनमें ना तो युग्मक संलयन होता है ना, ना तो निषेचन होता है, फिर भी एक नए केले का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ हम किस में देखते हैं बेटा, अनिषेक जो जनन होता है वो पपीता में भी हमें देखने के लिए मिलता है ना, पपीता में भी ये गुण हमें मिलता है कि जो अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। तो अनिषेक फलन का मतलब हो गया कि भाई बिना निषेचन होगा तभी तो फ्रूट का निर्माण होगा, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सेट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह मधुमक्खी में हमें देखने के लिए मिलता है। तो मधुमक्खी कौन, मधुमक्खी में जो ड्रोन होता है, अब ये ड्रोन कौन है, ये ड्रोन नर है। तो जो नर मधुमक्खी होता है उनमें ये अनिषेक जनन देखने के लिए मिलता है, यानी कि बिना ही निषेचन के, बिना ही फर्टिलाइजेशन के एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। यानी निषेचन में नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया ही निषेचन कहलाती है।
निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में जब निषेचन की क्रिया शरीर मादा शरीर के अंदर होगी तो इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक बोलेंगे। एग्जांपल ह्यूमन में हो गया, पुष्पी प्लांट हो गए। और जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होगी, यानी एग्जाम्पल की बात करें जल में होगी, तो ये बाह्य निषेचन होता है। एग्जाम्पल मेढक हो गया, लार्वा मछली हो गई। और इसी में एक प्रकार और आता है अनिषेक जनन, यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें बिना ही फर्टिलाइजर की, बिना ही निषेचन के निषेचन क्रिया हुई नहीं, फिर भी एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्लांट में केला हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके साथ साथ आपके मधुमक्खी में जो ड्रोन क्या है, मेल है जो अगुणित होता है, जो बिना निषेचन के ही ड्रोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये बिना ही फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब बेटा हमारी जो लैंगिक जनन की घटनाओं में, तो लैंगिक जनन की घटनाओं में जो हमारा कौन सा घटना है, निषेचन पश्च घटनाओं की बात करते हैं। क्या? निषेचन पश्च घटना की हम अब बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डालोगे निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? इवेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। देखो, अब अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो इनमें हम दो चीजों को देखते हैं। क्या क्या? निषेचन के बाद निर्माण किसका होता है? युग्मनज का। जायगोट का, ठीक है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज यानी जायगोट का। और दूसरा होता है बेटा भ्रूणोद्भव। ठीक है, दूसरा क्या होता है? भ्रूणोद्भव, यानी हम ये कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण होना। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होना। ठीक है, देखो अगर हमने युग्मनज की बात की तो युग्मनज कैसे बना, ठीक है, युग्मनज की बात करते हैं। तो युग्मनज में बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो गैमेट है इनमें सेल का डिवीजन होगा ना, हमारी कोशिकाएं यहाँ पे विभाजित होगी, और विभाजित होने के बाद यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण यानी किसका? इम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम प्लांट में बात करते हैं, प्लांट में अगर हम देखते हैं किसमें, अगर हम स्पेशली बेटा किसके प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में क्या होता है, जैसे देखो ये प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? पिस्टिल के अंदर। और पिस्टिल के अंदर ये इनका क्या प्रेजेंट होते हैं? विजाण प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये चेंज किसमें हो जाती है? फल में, ठीक है। और ये जो बीजांड है ये चेंज किस में हो जाते हैं? सीड में, यानी कि बीज में। ये किस में हम देखते हैं? प्लांट में देखते हैं, ठीक है। और अगर मानव में देखें तो भ्रूण बना, ठीक है, भ्रूण से यहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होते हैं? जो हमारे जर्म लेयर होते हैं, यानी कि बाह्य त्वचा, अंत त्वचा, मध्य त्वचा, है ना। तो इनमें क्या होगा बेटा? उत्तक बनेगा, ठीक है, उत्तक बनेगा। उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। एक मानव की बात करते हैं, अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये स्पेशली हम किसी जंतु में देखते हैं ना, या हम किसी मानव में देखते हैं, तो ये निषेचन पश्च घटनाएं हो जाती है। तो ये जो भ्रूणोद्भव होता है, ये जो भ्रूणोद्भव देखेंगे या भ्रूण का विकास, ये सारी चीजें इसी में मेंशन हो जाता है, ठीक, क्लियर।
क्लियर बेटा बोलो, ठीक क्लियर। तो इसी तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म, ठीक। यानी कि ज्यादा आपने उसमें कुछ नहीं देखना था। यहां से बेटा आप जो बिहार बोर्ड के आप बच्चे हो, इनमें आपके दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें आपका जो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो दो तरह के क्वेश्चन, ये एक तो आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं, एक आपके एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो एक नंबर के जो होते हैं वो आपके MCQ बेस्ड होते हैं, और जो दो नंबर के होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सभी बच्चे को ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई ऐसी टॉपिक है जो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे नहीं आई है, ठीक है। और वापस से आप क्लास को इसको देख भी लेना, ठीक है, एक बार रिविज़न के तौर पर, एक बार दो बार, जब तक न समझ में आए पूरी क्लास तब तक इस क्लास को देखना, ठीक है। अभी समय है, जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन कर लो, बाद में जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा तो आप वो समय आपके पास नहीं बचेगा, ओके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे एक नए न्यू चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।